सिलेबस ऑफ रिलेशंस चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, दैट इज वीडियो नंबर 133। ओके, आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एक्चुअली मैंने आपको बताया था टोटल 9 टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं रिलेशंस के चैप्टर में, और द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा रिलेशंस एग्जैक्टली क्या होती हैं, और साथ साथ हम लोग देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ओके, तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें मैं आपको बस बेसिक आइडिया दूंगा एग्जैक्टली रिलेशंस क्या है और उनका डोमेन और रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमें समझना है रिलेशंस एग्जैक्टली क्या होती हैं। तो देखो भाई, रिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, इसके बाद फिर मैं रिलेशंस पे जंप कर जाऊंगा। देखो भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कराते हैं ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी में क्या होगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट यहां से पिक करना है और यहां से पहला एलिमेंट पिक करना है, दोनों को एसोसिएट कर देना है, मतलब 1, a, ऑर्डर्ड पेयर याद रखना। ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर 1, b, उसके बाद 2, a, देन 2, b, देन 3, a एंड 3, b। ठीक है, तो इसका मैंने एक सेट बना दिया। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा, पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहां से होगा, दूसरे सेट से। ठीक है, हर एक एलिमेंट को पकड़ने और हर एक के साथ एसोसिएट कर देना है, बस यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल बात है, आई थिंक सबको पता होगी, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन और ब्रशअप मैं फटाफट से कराता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा क्लियरली आप ये भी समझा देंगे मुझे बी क्रॉस ए क्या होगा भाई, बी क्रॉस ए में हमें पहला ए पकड़ना होगा और फिर ए के साथ एसोसिएट करना होगा, मतलब ए कॉमा वन, फिर ए के साथ 2, फिर ए के साथ 3, है ना, ए 2, ए 3, देन बी 1, बी 2 एंड बी 3, है ना, बेसिक सी बात आई थिंक पता होगी, और आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया था यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये क्या है जी, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो ऑर्डर मैटर करेगा, तो 1a और a1 ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, a क्रॉस b इज नॉट सेम एज b क्रॉस a। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, और साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिक बातें मैं आपको लॉजिक के वीडियोस में सिखा चुका हूँ, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। एसोसिएटिव का मतलब सिंपली ये है भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट इज नॉट सेम एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, सिंपल बात है, जैसे आप इसको प्रूव करना भी चाहते हैं तो ए सेट के अंदर आप सिंपली एक एलिमेंट ले लो, बी सेट के अंदर ये ले लो और सी सेट के अंदर ये ले लो। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ना हमें, पहले B क्रॉस C करना, B क्रॉस C करोगे तो B कॉमा C आएगा, उसके बाद फिर A के साथ ऐसे लिख दोगे, है ना, और A क्रॉस B पहले कर लेना, मतलब A कॉमा B और यहाँ कॉमा C, तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बराबर नहीं है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे, दीज टू आर नॉट सेम। तो याद रखना हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ना तो कम्यूटेटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है। वैसे आपको याद आ रहा होगा जो डीबीएमएस मैंने पढ़ाया था उसमें रिलेशनल अलजेब्रा का टॉपिक आया था, रिलेशनल अलजेब्रा में भी मैंने ये सब चीजें डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप मेरे रिलेशनल अलजेब्रा की वीडियो में भी ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, तो फाइनली ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। एक दो बातें और मेरे मन में आ रही है, मैं वो भी फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो भाई, ए क्रॉस बी का मॉड ये क्या होगा, मॉड समझ में आ रहा है ना, ये क्या होता था, कार्डिनलिटी, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, अगर ए में जैसे 3 एलिमेंट थे हमने देखा था और बी में हमारे पास 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स आए थे, तो ए क्रॉस बी का मॉड दैट विल बी इक्वल टू ए का मॉड मल्टीप्लाइड बाय बी का मॉड, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी सेट विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट। तो यहाँ पे फिलहाल कितना आया था, 3 × 2 दैट इज 6, और कॉमन सेंस आप समझ भी पा रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन की सेंस है, जैसे 1 को पकड़ा और इन दोनों के साथ लिंक किया, फिर 2 को पकड़ा, फिर दोनों के साथ लिंक किया, 3 को पकड़ा, फिर दोनों के साथ लिंक किया एंड सो ऑन। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन की ही सेंस आ रही है यहाँ पे,
तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है जी। ओके अच्छा, और फॉर्मल डेफिनेशन मैंने वैसे आपको नहीं दी है, तो फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो क्या कहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू से एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में क्या होते हैं भाई, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्मेट में, और खास बात क्या होती है, एक्स ए को बिलोंग करता है और वाई बी को बिलोंग करता है, ठीक है। ये सिंबल मैंने दिखाया, ये सच दैट, इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें आई थिंक आपको पता होंगी, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी। अच्छा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि सेट ए में 10 एलिमेंट्स हैं, है ना, और सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज नथिंग बट 50, ठीक है। यहीं से मैंने ये पॉइंट निकाला है, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज फटाफट से इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ और एक दो बातें आपके साथ में और डिस्कस करता हूँ। अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही चल रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग रिलेशंस पे जंप नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही दे रहा हूं, ठीक है। ओके, देखो भाई, मैंने भी आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, है ना। तो आई थिंक ये सब चीजें मैंने आपको वैसे लॉजिक में भी समझाई थी। नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और may not be equal, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि never equal, मतलब कभी equal होगा और कभी equal नहीं भी होगा, ठीक है। For example, अगर मैं basic सी बात पूछूं, A cross B is equal to B cross A कब हो सकता है आपके according? देखो सीधी सी बात, अगर मैं बोल लूं कि if A is equal to B, then A cross B will be equal to B cross A, क्या ये बात ठीक है? Obviously बिल्कुल ठीक है भाई, A और B बराबर हैं, तो A cross A will be equal to A cross A only। ए और बी बराबर है तो ऐसे बोल सकते हैं बी क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस बी, है ना, कि ए और बी जब सेम है तो ए भरो या बी भरो इट हार्डली मैटर्स टू मी, तो मैं यहाँ पे बोल सकते थे ए क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस बी, है ना, बेसिक सी बात है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी बराबर होंगे तो ये दोनों चीजें सेम आ जाती है, और कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस है आएगी भी सही बराबर। आप चेक कर सकते हैं, कोई छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेना, जैसे सेट ए ले लो, वैसे तो देखने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, बट स्टिल ए में है हमारे पास 1 और 2, तो ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2, ठीक है, आप समझ पा रहे होगे, नहीं समझ आ रहा तो ये लो एक ये ए ले लो, दोबारा से ए लिख लो ऐसे 1, 2, तो आप 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, यही हमने लिखा है, तो आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मेरे ख्याल बकवास बात है, आप समझ पा रहे होगे, है ना, सीधी सी बात है, तो ये दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। अच्छा जी, अब एक बात ये समझो, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? ये एक वन वे थ्योरम बना दी ना मैंने, मैं इसको थ्योरम बोल सकता हूँ, ठीक है, दिस इज अ थ्योरम, और ये कैसी थ्योरम है, वन वे थ्योरम है। मैंने आपको लॉजिक में समझाया था वन वे थ्योरम टू वे थ्योरम, है ना, दो टाइप की थ्योरम्स होती हैं, और वन वे थ्योरम हमेशा रादर 99% केसेस में गेट में ट्रू फॉल्स में हमारे पास वन वे थ्योरम्स आ जाती हैं। तो ये एक वन वे थ्योरम है कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अच्छा, अगर मैं इसका कन्वर्स ले आया और मैं बोल दिया कि कन्वर्स भी ट्रू है, तो फिर मैं टू वे थ्योरम बना सकूंगा, है ना। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ऐसे बनेगा, इसका कन्वर्स ऐसे कर लो, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए देन ए इज इक्वल टू बी। अगर मैं इस थ्योरम को भी प्रूव कर गया कि ये भी ट्रू है, तो हम फाइनली क्या कह देंगे, तो ये थ्योरम वन हो जाएगी, ये थ्योरम टू हो जाएगी। अगर ये भी ट्रू होगी तो हम फाइनली एक थ्योरम थ्री बना देंगे, थ्योरम थ्री विल बी व्हाट, इफ ए, ये ऐसे बोल सकते थे हम लोग, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन वाली बात आ जाएगी, है ना, ये चीज याद है ना, P implies Q है और Q implies P है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते थे, P double implication to Q, that is P is equivalent to Q, है ना, याद आ रहा होगा, ये सब चीजें हम बोलते थे, तो बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगी, A cross B is equal to B cross A if and only if A is equal to B, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते थे A is equal to B if and only if A cross B is equal to B cross A, जैसे आपका मन करे वैसे बोल दो, क्योंकि two way है ना, P डबल इम्प्लीकेशन टू Q या Q डबल इम्प्लीकेशन टू P, दोनों चीजें बराबर होती है, आई थिंक ये सब चीजें आपको पता होंगी, बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ठीक है जी। तो फाइनली मेरे को इसको प्रूव करना है, अगर मैं ये कर गया तो फिर एक नई थ्योरम आपके सामने वो पैदा हो जाएगी। तो देखो भाई, इसके लिए हम क्या कहेंगे, आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, ये ठीक होगी कि नहीं होगी,
देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन ए इज इक्वल टू बी। आपको लगेगा हाँ जी बिल्कुल ऐसा तो होगा ही होगा, है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर आ रहा है, तो पक्की बात है दोनों सेट बराबर होने चाहिए। बट एक्चुअली देखो एक एक्सेप्शन, मैंने आपको हमेशा सिखाया जब से मैंने सेट थ्योरी स्टार्ट की है, मैंने आपको हमेशा बताया था एक्सेप्शन हमेशा फाई से आती है, तो फाई के साथ देखो जरा क्या बनेगा। जैसे मैं आपको बोलूं सेट ए है 1, 2 और सेट बी क्या है जी 5, 5 मींस नथिंग, नथिंग मतलब आप ऐसे बोलो ये देखो ये हवा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती थी 5, ठीक है। अच्छा अब आप जरा मुझे समझाओ ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी मैंने आपको क्या सिखाया है, देखो मैंने फॉर्मल डेफिनेशन में आपको समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो y बिलोंग करना चाहिए ना b को, जो b सेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना सकेंगे। तो सिंपल बात ऐसे भी करो, यहां से मैंने 1 पिक कराई, यहां से क्या पिक करूं, हवा है ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पिक करने के लिए, तो यहां से कुछ पिक करूंगा तभी तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स वट, फाइनली a क्रॉस b विल बी इक्वल टू 5, समझ रहे हो। 1 पिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, सिमिलरली 2 यहाँ से पिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को कुछ मिल ही रहा है, तो ऑर्डर पेयर में बना ही नहीं पा रहा, ऑर्डर पेयर बना नहीं पा रहा तो इसका मतलब क्या होगा, सेट खाली रह जाएगा, मतलब क्या 5, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ऐसे बोलूंगा मैं, ए क्रॉस बी विल बी लाइक दिस ओनली, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं मेरे को, है ना, तो जिसको हम क्या बोल सकते थे 5, ठीक है जी। तो ए क्रॉस बी हमारे पास 5 आ रहा है। सिमिलरली आप मुझे ये समझाओ बी क्रॉस ए क्या होगा भाई, बी क्रॉस ए में क्या होगा, यहाँ से मैं क्या पकड़ूं, यहाँ से हवा पकड़ के इसके साथ 1 के साथ जोड़ दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप समझ पा रहे होंगे बी क्रॉस ए भी एज इज रह जाएगा, दैट इज नथिंग बट 5 ओनली। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैं ये थ्योरम कह रहा था ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए देन ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर पा रहे हो ए और बी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है जी, ये थ्योरम एकदम फॉल्स है, ठीक है जी। तो ये थ्योरम मैं नहीं बना सकता, तो इसका मतलब ऑब्वियसली जब ये थ्योरम नहीं बनी तो ये थ्योरम भी एकदम फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है भाई, इस टाइप से कोई गेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते थे कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये आ सकती थी इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए देन ए इज इक्वल टू बी, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 5 इज एन एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ अगर नॉन एम्प्टी सेट कह देते तो ये बात भी हमारी ट्रू हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉपरली बोलते कि a and b are two non-empty sets, then a cross b is equal to b cross a, if a and b are non-empty set and if a cross b is equal to b cross a, then a is equal to b। हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है, non-empty set होने चाहिए, अगर empty ले आया तो फिर मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिक थ्योरम आपको ये ध्यान रखनी है भाई, दिस इज वन वे थ्योरम, ठीक है, और ये एज इट इज आपके गेट एग्जाम में आ सकती है ट्रू फॉल्स के केस में, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो नॉन एम्प्टी वाली बात है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आने के चांसेस कम है, क्योंकि कोई भी बच्चा एकदम पकड़ जाएगा इस बात को। ये अगर थ्योरम आने के चांसेस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वहां पे सिंपली ऐसे बोलेंगे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी। तो क्लियरली सारे लगभग 99% स्टूडेंट्स इस पे टिक लगा के आ जाएंगे, हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में फाई का एक्सेप्शन नहीं याद आएगा। जैसे ही फाई का एक्सेप्शन जिसकी स्टूडेंट भी दिमाग में आ गया फाई का एक्सेप्शन, वो उसको आराम से ठीक करके आ सकता था क्वेश्चन को, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है जी। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं साइड में होता हूँ, आप फटाफट इसे को नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटाता हूँ और फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने काफी कुछ समझ लिया है, काफी कुछ चीजें हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब हम लोग रिलेशंस को कंफर्टेबली स्टार्ट कर पाएंगे। देखो भाई रिलेशंस क्या है, कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया तो रिलेशन तो अब एक झटके का काम है, कुछ भी नहीं है। देखो रिलेशन है ये है भाई, रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही है ना, मैंने आपको अभी सिखाया था, हमने कर्ली ब्रैकेट में इसको रखा था। तो जो भी हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट करके जो सेट आया है उसका कोई भी सबसेट उठा लो, दैट इज अ रिलेशन आर, ठीक है। ओके तो सिंपल एग्जांपल से मैं सिखाता हूँ, जैसे सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये मैंने अभी आपको सिखाया था, एक एक को पकड़ के लिंक करते चले जाओ, तो पहला ए है दूसरा बी है, तो पहले 1 को पकड़ना है, 1A, 1B, 1B, उसके बाद फिर 2A, 2B, ठीक है जी। अच्छा तो अब रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो बस सिंपल बात, सबसेट्स बनाते चले जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे छोटी रिलेशन बताओगे आप मेरे को, सबसे छोटी रिलेशन होगी जी 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं पता तो वीडियो नंबर 132 देखो मेरा,
वीडियो नंबर 132 था, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, ठीक है, उसमें मैंने सब बताया था आपको। हाँ जी, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम सबसे छोटी रिलेशन बना सकते हैं फाई, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे लाइक दिस, है ना, एम्प्टी, जिसमें हमने कुछ नहीं लिया। अच्छा जी, और क्या ले सकते थे, रिलेशन टू विल बी व्हाट, 1, a ऑर्डर पेयर, सिंपल एक एक ऑर्डर पेयर पकड़ दो, है ना, जैसे हम सेट्स सबसेट्स बनाते थे, एक एक को पकड़ लो, फिर दो दो को पकड़ लो, फिर तीन तीन को पकड़ लो, फिर चार चार को पकड़ लो, एंड सो ऑन, बिल्कुल वही सब है, ठीक है। आर थ्री रिलेशन में ले सकता था 1, a 2, b, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, तो सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाना, ऐसे जो मन कर रहा है वो ले लो। आर फोर हम ले सकते थे 1, a 1, b 2, a, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी रिलेशन बनेगी, सबसे बड़ी रिलेशन क्या बनेगी, पूरा सा टेस्ट उठा के लिख दो, है ना, तो 1a 1b 2a और 2b, ठीक है जी, ओके। तो सब, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए यहां से कि मिनिमम जो सबसे छोटी रिलेशन बनेगी दैट इज इक्वल टू 5, और सबसे बड़ी रिलेशन क्या बन सकती है, a क्रॉस b इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b इज अ सेट, तो सेट एज इट इज भी आप उठा के लिख सकते थे, ठीक है जी, ओके। तो जो सबसे बड़ी रिलेशन होती है a क्रॉस b, हम उसको बोलते हैं जी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक किस्म से यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इन द सेंस हर एक एलिमेंट a का हर एक एलिमेंट b से रिलेटेड है, ठीक है, ये बात होगी ना, रिलेशन मतलब क्या है, रिलेटेड, तो 1 इज रिलेटेड टू a, 1 इज रिलेटेड टू b, 2 इज रिलेटेड टू a, 2 इज रिलेटेड टू b, यही सारी पॉसिबिलिटी थी, और सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमने कवर कर ली है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू every element of b, ठीक है, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कह देते हैं, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अच्छा, जो चार छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी डिस्कस करता हूँ फटाफट से, पहले साइड में आ रहा हूँ, आप इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं दो चार क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, ओके, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा सबने, मैं हटा रहा हूँ और क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप एक झटके में उनको बता देंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी करने में, है ना। देखो, द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, बताओ भाई आंसर, बहुत सिंपल है, जैसे मुझे ये बताओ एग्जैक्टली रिलेशन होती क्या थी, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी एक सेट होता था और उसके सबसेट होती थी रिलेशन, है ना, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं, हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल, तो मतलब हम सिंपली क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक सेट है ए क्रॉस बी, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, और आई थिंक ये तो सबको पता होगा कितने सबसेट्स होते हैं, 2n, है ना, और पावर सेट वाली बात है, तो अगर ए क्रॉस बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी व्हाट, 2n ओनली, तो जिसको हम थोड़ा सा अच्छा बोलें तो ऐसे कह सकते थे 2a x b का मॉड, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b का मॉड मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b, तो 2 cardinality of a x b, दैट विल बी माय फाइनल आंसर, ये चीज मैं कहां से निकाल रहा हूं भाई, पावर सेट वाले कांसेप्ट से निकाल रहा हूं, है ना, ठीक है, तो आई थिंक पता होगा सबको, मैं चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एग्जैक्टली पावर सेट क्या होता है, तो आप मेरा वीडियो नंबर 132 देख सकते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सेट्स, उसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और प्रूफ भी दिया था, रादर मैंने कमेंट और इसमें भी आपको प्रूफ दिया था कि पावर सेट में एग्जैक्टली 2n एलिमेंट्स क्यों होते हैं, ठीक है, चलो मैं वो सब यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओके जी, तो फाइनली 2a x b का मॉड आएगा आंसर। अच्छा, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे सेट ए है उसके अंदर से 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, रिलेशंस विल बी 2a x b का मॉड, और आपको पता है a क्रॉस b का मॉड क्या होता है जी, मॉड a क्रॉस मॉड b, तो 2 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 2 6, एंड दैट इज नथिंग बट 64, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बेबी स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, तो मेरे ख्याल से इसको और खींचना नहीं चाहिए मुझे, आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, एक दो बातें मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला ना रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये जो ए और बी है ना, हम इनको बोलते हैं पेरेंट सेट, ठीक है, पेरेंट सेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं से ही हमारी रिलेशन बन के आई है ना, और पेरेंट सेट हमें गिवन होने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ऑब्वियसली रिलेशन बना पाएंगे, अगर पेरेंट सेट ही गिवन नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बना सकते, हम बता भी नहीं सकते कौन किससे रिलेटेड होगा एंड सो, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो फटाफट आपको बता देता हूँ, जैसे हमने सेट ए में ले लिया 1 2 और सेट बी में ले लिया ए बी, ठीक है। अच्छा, और मैं एक रिलेशन आर1 बनाता हूँ, उसमें बोलता हूँ 1a और 2b,
ठीक है। अब क्योंकि 1A R1 में प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूंगा, रिलेशन R1 आपको क्या बता रही है, 1 इज रिलेटेड टू A एंड 2 इज रिलेटेड टू B, दैट्स इट। ठीक है, देखो A क्रॉस B टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, तो 2 पावर 4 मतलब 16 टोटल रिलेशंस बनेंगी। इन 16 रिलेशंस में मैंने आपको एक रिलेशन लिख के दिखा दी है, दैट इज 1A टू B, मतलब 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 1R1A और 2R1B, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते थे कि 1R1A इफ एंड ओनली इफ 1A बिलोंग्स टू R1। तो एक ही बात है, इफ एंड ओनली इफ लगाने का मतलब है एक किस्म से इक्विवेलेंट बातें हैं कि 1R1A दैट इज नथिंग बट 1A बिलोंग्स टू R1। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी बातें आई थिंक सबको पता होंगी, बट स्टिल मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x, y बिलोंग्स टू R, है ना, सिंपल बात है एकदम। ओके, बस ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहे हैं, मैं फटाफट से वो भी डिस्कस करता हूँ। पहले मैं साइड में आ रहा हूँ, आप इस सब चीजों को फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं एक दो बातें आपके साथ और करता हूँ। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा सबने, मैं हटाता हूँ इसको और एक दो बात हम और करते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, आप मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी, या ऐसे हम पूछें अगर कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम B टू A, बताओ क्या ये बात ठीक है। मैंने रफली लिखा है, आप समझ रहे होगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम B टू A। ठीक है, पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B का मतलब क्या है। Relations from A to B मतलब R will be subset of A cross B, और relations from B to A का मतलब क्या होगा, B cross A, है ना, तो R will be subset of B cross A। तो ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ठीक है। हाँ जी, तो A cross B के जितने subsets बनेंगे that will be equal to B cross A के जितने subsets बनेंगे, obviously बिल्कुल basic सी बात है ना। तो जैसे ऐसे समझो, देखो A का size है M और B का size है N, तो A cross B का size क्या होगा भाई, mod A मल्टीप्लाइड बाय मॉड बी, तो डेट विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। और बी क्रॉस ए का मॉड क्या होगा भाई, मॉड बी मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए, मतलब एन मल्टीप्लाइड बाय एम, और ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो ये दोनों चीजें बराबर आएंगी। तो ठीक है जी, दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, और कितनी होंगी वो होंगी 2 पावर A क्रॉस B, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ए टू बी, और B टू A कितनी हो जाएंगी, 2 पावर B क्रॉस A। ये हमने अभी देखा है A क्रॉस B और B क्रॉस A का मॉड एकदम बराबर होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों बातें ठीक हैं। अच्छा, तो अब एक बात मेरे मन में और आ रही है, सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैं यहीं से क्वेश्चन क्या आप देख भी पा रहे होंगे, A 2 पावर A क्रॉस B या बोलो या 2 पावर B क्रॉस A बोलो, दोनों बातें सेम है, तो मतलब 2 पावर MN बोलो या 2 पावर NM बोलो, एक ही बात है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो अगर सेट A में M एलिमेंट्स हैं, सेट B में N एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी व्हाट, 2 पावर M क्रॉस N बोलो या 2 पावर N क्रॉस M बोलो, मतलब N मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई बाय N या N मल्टीप्लाई बाय M, एक ही बात है ना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बार बोलना नहीं चाहिए, मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको एक्जेक्टली समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब एक दो बातें और है, मैं वो करता हूँ, पहले मैं फटाफट साइड में आ रहा हूँ, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। ओके ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, अब एक दो बात और देखो, जैसे मुझे ये बताओ, जैसे मैं एक रिलेशन देता हूँ आपको, रिलेशन R, उसमें ऑर्डर्ड पेयर है x, y, और मैं बोलता हूँ x = y², ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो अब आप मुझे ये समझाओ, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बताया नहीं x किसको बिलोंग कर रहा है, y किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब सिंपल बात करूं तो मैंने आपको पेरेंट सेट यहाँ पे नहीं दिया है। तो अगर मैं आपको पेरेंट सेट नहीं देता हूं, तो फिर हम पेरेंट सेट क्या मानेंगे, याद रखने आपको रियल नंबर मानेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक रिलेशन का पेरेंट सेट क्या होगा जी, रियल नंबर होगा। तो R को अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये तो आप समझ पा रहे होगे, सेट बिल्डर फॉर्मेट में मैंने लिखा है। वैसे मैं आपको 8 रिप्रेजेंटेशंस दिखाऊंगा रिलेशंस की, अभी बाद में हम लोग ऐसे उसको देखेंगे, बट बेसिक आइडिया आपको पता होगा, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा है। तो अगर मैं इसको लिस्टिंग फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, मतलब लिस्ट डाउन कर करके एलिमेंट्स लिखो, तो एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। x = y² हमने क्या रखा है ना, तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, 1, 1, है ना, और उसके बाद 2, 4, ठीक है, ऐसे ही 0.1, 0.01,
क्योंकि 0.1 का स्क्वायर कितना होगा भाई 0.01, मैं प्रॉपर लिखता हूँ, देखो 0.1, 0.01, ठीक है जी, ये होगा, उसके बाद 1/2, 1/4 ये होगा, डॉट 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 डॉट, है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसके अंदर, और अगर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, है ना, क्योंकि रियल नंबर का सेट मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल होता है, तो रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर जब हम लोग कर लेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे वो भी ऑब्वियसली अनकाउंटेबल सेट आएगा, और उसी का हम एक सबसेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज अवर आर, तो वो भी एक किस्म से अनकाउंटेबल ही आएगा, ठीक है, आप प्लीज चेक, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्यों अनकाउंटेबल आएगा एंड सो ऑन, वो सारी चीजें हम टीओसी में देखेंगे, बट आप थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रहे होगे कि अनकाउंटेबल आएगा, क्योंकि हम यही नहीं बता पाएंगे पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है एंड सो ऑन, ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, दिस इज माई रिलेशन आर, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे आप चेक कर सकते हैं, तो मेन बात हमें क्या समझ आई, अगर इस टाइप से कुछ रिलेशन आपके सामने नजर आएगी एग्जाम में तो, और आपको पेरेंट सेट नहीं गिवन होगा तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मान के चलेंगे रियल नंबर्स, ठीक है, नहीं तो अगर वो अगर स्पेसिफिक कर रखा होगा तो हम उसको मान लेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यही आपको बोल देता आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ऑन जेड, ऐसे दे देंगे आपको, ठीक है, तो जेड का मतलब क्या होगा जी इंटीजर्स, ठीक है, तो ये इंटीजर्स पे एक रिलेशन हमने बना रखी है, तो इसमें हम एलिमेंट्स मान सकते थे जैसे -1, 1, है ना, -2, 4, देन 2, 4, 4, 16, डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर हमें नहीं लेने होंगे, समझ रहे हो ना, तो जो रिलेशन है एक्चुअली ये रिलेशन मैंने आपको बताया था ना, रिलेशन में सबसेट होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ये किसका सबसेट है, हम यहाँ बोल सकते थे आर इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड ओनली, ठीक है, इंटीजर क्रॉस इंटीजर का हम एक इंटीजर का सेट लिया, दूसरा वो इंटीजर का सेट लिया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराया और उसका सबसेट हम ले रहे हैं आर, सिमिलरली यहाँ पे क्या कहेंगे भाई आर विल बी सबसेट ऑफ ये रियल नंबर्स, तो मैं इसको आर वन ले लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन है, तो आर वन विल बी सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर ओनली, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमें हमेशा रियल नंबर मान के चलना है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हम लोग रिलेशंस की बातें यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी बाइनरी रिलेशंस है भाई, बाइनरी रिलेशंस क्यों, क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी हम ले रहे हैं उसका सबसेट ही रिलेशन ले रहे हैं, है ना, तो ऐसे टर्नरी रिलेशन भी होती है, क्वार्टनरी रिलेशन भी होती है, बहुत सारे टाइप की रिलेशन होती है, बट हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, वो हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो हमें सारा कुछ क्या पढ़ना है भाई, बाइनरी रिलेशन के बारे में ही डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन मुझे और बताओ, मैं यहीं पे आपसे पूछता हूँ, जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए बट ए क्रॉस बी मॉड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए मॉड, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, आई थिंक आप देखते ही बता दोगे, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैंने आपको बताया था इट मे और मे नॉट बी सेम, सेम का बात है जब ए और बी बराबर हो या दोनों में से एक फाई हो, है ना, अच्छा जी, और ए इज नॉट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करी थी कि ए क्रॉस बी का मॉड दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मॉड, मतलब दोनों की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट विल बी सेम, ठीक है, ओके अच्छा, अब एक क्वेश्चन ना मैं आपको यहीं से पूछता हूँ, जैसे आर वन रिलेशन थी एक्स कॉमा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि 3R9 इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो 3R9 मतलब समझ पा रहे हो ना, ये आर वन है, चलो आर वन लिख देता हूँ, 3R19 इज इट ट्रू और फॉल्स, आई थिंक आप देखते बता दोगे इसका मीनिंग क्या है, आप समझ पा रहे होगे कि 3,9 बिलोंग करता है आर वन को या नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तो आप देखते ही बता दोगे दिस इज ट्रू, है ना, क्योंकि 3 और 9, 3 का स्क्वायर क्या है जी 9, और मैंने आपको क्या बताया था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि 3 इज रिलेटेड टू 9, है ना, अच्छा सॉरी शायद मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, तब बात बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब ये स्टेटमेंट ट्रू है, और जो मैंने रिलेशन लिखी थी ये भी ट्रू रहेगी, एक्चुअली मैंने x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख दिया था जो कि बात गलत है, ये होना चाहिए था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप समझ पा रहे हो गया ना, ये y है ना, तो y स्क्वायर है इसका, ठीक है, 4 स्क्वायर ऑफ 2 एंड सो ऑन, आई थिंक आप समझ पा रहे हो गए, चलो ठीक है जी, तो फाइनली मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको रिलेशंस के बारे में, अब हमें डिस्कस करना है डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशंस, तो मैं साइड में आ रहा हूँ, आप पहले फटाफट इसको नोट डाउन करो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ओके ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटाता हूँ और डोमेन और रेंज के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है, अच्छा शायद यहाँ पे भी मेरे से मिस्टेक हुई थी, आप गेस कर गए होंगे, ये भी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही था, है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तभी हम लोग समझ पा रहे होंगे, है ना, इसका ये y जो है दैट इज एक्स स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर इज 4 एंड सो ऑन, आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है जी, तो अब फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस, देखो बहुत सिंपल है,
ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार आपको विजुअलाइज करना आ गया तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे फाइनाइट रिलेशन लेता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग इनफाइनाइट रिलेशंस पे जंप करेंगे। मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है। हाँ, तो फाइनाइट रिलेशंस में हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर है ऐसे 1, 2, 3 और 4, ठीक है, चार एलिमेंट हैं, और एक सेट बी है उसके अंदर ए बी और सी, तीन एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन विल बी व्हाट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना। तो मैं फटाफट से ऐसे कोई रिलेशन बना लेता हूँ, 1A 2B 3C एंड देन 3A, ठीक है, ऐसे कुछ भी मैंने रिलेशन बना ले, ठीक है जी। तो एक्चुअली पता होगा 4 × 3 = 12, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे ना ए क्रॉस बी में, तो उसमें से मैंने चार एलिमेंट लिए, बाकी सब छोड़ दिए। अच्छा जी, तो अब देखो, अब मैं आपको क्या कहता हूँ, डोमेन बताओ भाई। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर दैट विल बी इक्वल टू, जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स है ना उनका सेट बना दो, 1, 2, 3 और फिर 3 आ रहा है, तो मैंने बोला सेट बनाना है आपको, तो सेट में रिपीटेशन नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3 ही लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेंज बताओ जी, रेंज ऑफ आर क्या होगी, सेकेंड सेकेंड एलिमेंट यहाँ से उठा लेना, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और फिर ए आ रहा है, तो हमें उस ए को नहीं लेना होगा, तो हम फाइनली ए बी और सी ऐसे ले लेंगे, ठीक है जी, समझ गए। तो डोमेन क्या होता है भाई, कुछ नहीं है, फाइनाइट रिलेशन है, तो पहला पहला एलिमेंट उठा के बस लिखते चले जाओ, हर एक ऑर्डर पेयर में से पहला पहला एलिमेंट उठा के लिख लो, रिपीटेशन हमें करनी नहीं है क्योंकि सेट होता है, ठीक है, डोमेन इज अ सेट, ऐसे रेंज भी एक सेट होती है, तो रेंज में हमें क्या करना है, वही दूसरे दूसरे एलिमेंट उठा के चुपचाप से लिखते चले जाओ, रिपीटेशन हमें नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस से बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर दैट विल बी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट दैट इज ए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हम पहला एलिमेंट, ये देखो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, पहला एलिमेंट कहाँ से है, सेट ए से है, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से है, सेट बी से है, तो जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा सेट पहला सेट मतलब सेट ए से आ रहा है, तो पक्की बात है, ठीक है जी, वो ए का सबसेट ही निकलेगा, है ना, और प्रॉपर निकले या इम्प्रॉपर निकले इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना, समझ पा रहे हो, क्योंकि सेट ए इटसेल्फ वो भी आ सकता था, बट फिलहाल हमारे पास प्रॉपर सबसेट आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1, 2, 3 लिया और सेट ए में 1, 2, 3, 4 था। अच्छा जी, रेंज आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, रेंज क्या होगी भाई, सबसेट होगी बी की, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, और यहाँ पे जो हमने रेंज निकाली है दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट, क्यों, क्योंकि रेंज हमारा पूरा एबीसी आया और बी भी एबीसी ही था, ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रेंज और डोमेन दोनों सबसेट्स होंगे, मारो गोली, प्रॉपर बोलो इम्प्रॉपर बोलो, हम सिंपल बोलते हैं सबसेट, क्योंकि सबसेट में दोनों चीज आ जाएंगी, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी, तो डोमेन ऑफ आर विल बी सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर विल बी सबसेट ऑफ बी, मतलब फर्स्ट सेट और ये सेकंड सेट, आई थिंक आप समझ गए होंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है जी। तो फाइनाइट सेट में हम बड़े आराम से और बहुत इजिली निकाल सकते हैं डोमेन क्या है और रेंज क्या है, जो सबसे टेक्निकल काम आता है वो आता है जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, मतलब रिलेशन इनफाइनाइट हो, तो मतलब देखो सीधी सी बात है, अभी सेट इनफाइनाइट होगा तो उस पर रिलेशन इनफाइनाइट बन सकती है ना, बट अगर चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, देखो भाई अगर मैं बोलता हूँ कि सेट्स हमारे पास इनफाइनाइट है, सेट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं हम लोग, पेरेंट सेट्स आर इनफाइनाइट, then relation will be what, relation will be finite or infinite, it can be, then relation can be finite also and infinite also, I think aap guess kar pa rahe hoge, maine roughly likha hai, aap samajh pa rahe hoge main yahan pe kya kehna cha raha hu, theek hai, finite और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हो, तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि सबसेट है, तो कोई भी इनफाइनाइट सेट है उसका सबसेट फाइनाइट सेट आराम से हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लो, ये लो 1, 2, 3 ... अप टू इनफिनिटी, ठीक है जी, और रिलेशन में ले लेता हूँ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, मतलब नेचुरल नंबर का सेट और दूसरा भी नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराया और मैं उसमें से एक रिलेशन ले रहा हूँ, और आर में ले लेता हूँ 1, 2, बस हो गया काम, करता हूँ, फाइनाइट रिलेशन आ गई, ठीक है। अच्छा जी, और इनफाइनाइट रिलेशन भी आ सकते हैं, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, पूरा का पूरा एन क्रॉस एन सेट उठा के देख लो, ठीक है, तो रिलेशन ये पूरा सेट भी तो रिलेशन ही है ना एक किस्म से, एन क्रॉस एन वाला सेट जो कि हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते थे, तो ठीक है वो इनफाइनाइट भी हो सकती थी, है ना, और बहुत सारी बनती है, जैसे रिलेशन ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता था x, y such that x is greater than y, ठीक है, और x, y belongs to n, इस टाइप से भी मैं बोल सकता था, या on n, सीधा ऐसे बोलो बस on n, मतलब on natural number, तो अगेन इट इज एन इनफाइनाइट रिलेशन, ठीक है, तो इनफाइनाइट रिलेशन को दिखाने का सेट बिल्डर फॉर्म में वे आउट होता है, लिस्टिंग मेथड से हम लोग प्रॉपरली दिखा सकते हैं, आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, अब अगर हम ये कहें कि पेरेंट सेट इज फाइनाइट, ठीक है, पेरेंट सेट इज फाइनाइट, देन ऑब्वियसली रिलेशन विल बी
इनफाइनाइट ओनली, रिलेशन इनफाइनाइट कभी आ ही नहीं सकती। तो याद रखना हमें, पेरेंट सेट अगर इनफाइनाइट है तो रिलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ, डिपेंड करेगा आप किस टाइप के रिलेशन ले रहे हो। बट अगर पेरेंट सेट हमारा फाइनाइट निकल आया तो रिलेशन हमारी फाइनाइट होगी ही होगी, 100% रूल, कॉमन सेंस से आप सोच पा रहे होगे सारी बातें, ठीक है ना। हाँ जी, तो फाइनली बस हमें इतना ध्यान रखना है कि चलो ठीक है, हमें बेसिक बेसिक बात समझ आ चुकी है। तो डोमेन विल बी सबसेट ऑफ ए एंड रेंज विल बी सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक आपको रिलेशन में काफी हद तक चीजें समझ में आ चुकी हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड सो ऑन। तो अब हम इनफाइनाइट रिलेशंस की तरफ जंप करेंगे। इनफाइनाइट रिलेशन में मेन टेक्निकल बात आएगी। इनफाइनाइट रिलेशन में जंप करने का मतलब क्या, आप समझ पा रहे होंगे, अगर रिलेशन इनफाइनाइट है तो जो पेरेंट सेट होंगे वो भी हमेशा, पक्की बात है, इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को। देखो, पेरेंट सेट इनफाइनाइट होंगे तो रिलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। पेरेंट सेट इज फाइनाइट देन रिलेशन विल बी फाइनाइट ओनली। अच्छा, उसके बाद दूसरे तरीके से मैं ये भी पूछ सकता था आपसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मेरे पास रिलेशन फाइनाइट है तो पेरेंट सेट क्या हो सकता है भाई? पेरेंट सेट कैन बी इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। बट अगर रिलेशन मेरी इनफाइनाइट है तो पेरेंट सेट मेरा फाइनाइट नहीं हो सकता, पेरेंट सेट मेरा इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं इनफाइनाइट रिलेशंस की बात करूंगा। तो इनफाइनाइट रिलेशन का मतलब क्या, आप समझ पा रहे हो, पेरेंट सेट क्या रहा होगा, इनफाइनाइट ही रहा होगा, ठीक है। चलो मैं आप इनफाइनाइट रिलेशंस की बातें करता हूँ आपके साथ, ठीक है। चलो आई थिंक ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लो, मैं साइड में आ रहा हूँ, उसके बाद मैं इनफाइनाइट रिलेशंस की बात करता हूँ, ठीक है। ओके, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा सबने, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, मैंने बहुत रफली लिखा है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने काफी रफली लिखा है, जो मैंने बोला है प्लीज उस बात पर ध्यान लगाओ, ठीक है। मैं फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको दिक्कत आई है तो। पहला स्टेटमेंट थी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, पेरेंट सेट्स आर फाइनाइट देन रिलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट हार्डली मैटर्स टू मी। सेकेंड स्टेटमेंट थी, पेरेंट सेट इज फाइनाइट देन रिलेशन विल बी फाइनाइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट थी, रिलेशन फाइनाइट देन पेरेंट सेट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। और फोर्थ स्टेटमेंट थी, रिलेशन इज इनफाइनाइट देन पेरेंट सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, चारों स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है जी। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनफाइनाइट रिलेशन पे जंप करते हैं। तो इनफाइनाइट रिलेशन पे जंप करने का मतलब क्या होगा भाई, पेरेंट सेट हमेशा इनफाइनाइट ही रहे होंगे, ठीक है ना। चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट से। देखो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं रिलेशन आर, R is equal to x, y such that y is equal to x square, ठीक है जी। हाँ जी, ये मैंने रिलेशन ले लिया। मैंने आपको नहीं बताया पेरेंट सेट कौन से हैं, तो आप समझ पा रहे हो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेके चलेंगे भाई, रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब ये रियल नंबर के सेट है, R क्रॉस R है ना, रियल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट, तो R क्रॉस R पे ही हमने ये रिलेशन बना रखी है। तो R की बजाय मैं S लेता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। तो S विल बी सबसेट ऑफ R क्रॉस R, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन आए से मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है जी। अब जरा मेरे को फटाफट से बताओ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ डोमेन ऑफ एस बताओ और रेंज ऑफ एस बताओ, ठीक है जी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब इनफिनिट रिलेशन आती है हमारे पास, अब मैं इनफिनिट रिलेशन पे जंप कर चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इनफिनिट रिलेशन में हमें डोमेन रेंज निकालना है, उसके लिए हमें, हमारे पास तीन मेथड्स हैं, ठीक है। वी हैव थ्री मेथड। द वेरी फर्स्ट मेथड इज से विजुअलाइज करो आप, ठीक है, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज इन द सेंस, जैसे देखो भाई, एक्स कॉमा वाई है तो वो आ कहाँ से रहा है भाई, आर क्रॉस आर से आ रहा है ना। तो ऐसे बोलो ना मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये था, और ये वाई और एक्स आ कहाँ से रहे हैं, आर क्रॉस आर, मतलब एक्स भी आर से आएगा, वाई भी आर से आएगा, मतलब दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर है। तो पहला आर से, मतलब पहले सेट से एक्स आएगा, दूसरे सेट से वाई आएगा। अच्छा जी, अब एक बात ये देखो, y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो मैं इनपुट क्या कर रहा हूँ, x, और उसके कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो इस रियल नंबर से हम ये इनपुट डाल रहे हैं एक्स स्क्वायर के लिए, मतलब x की वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर कंप्यूट कर रहे हैं, और फाइनली y जो होगा वो हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको विजुअलाइज करना है, तो आपको थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है विजुअलाइजेशन। हाँ जी, तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे x की वैल्यू भरूंगा एक एक करके, रियल नंबर में से पिक करूंगा, कोई भी रियल नंबर पिक करूंगा, और मैं बोलूंगा उसका स्क्वायर मैं निकालता जा रहा हूँ। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, या घुमा फिरा के मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि y इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर होता है? हाँ जी बिल्कुल, कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगा, रूट टू ले लो, रूट टू का स्क्वायर क्या करोगे, टू आएगा, है ना। पॉइंट फाइव ले लो, पॉइंट फाइव का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट टू फाइव आएगा, एंड सो ऑन। कोई भी रियल नंबर उठा लो,
हर एक रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x होगा दैट इज अ रियल नंबर। मतलब x क्या है, देखो आप समझ पा रहे होंगे, x एक किस्म से डोमेन को बता रहा है और y हमारे पास रेंज को बता रहा है ना। तो x मतलब मैं क्या बोलूंगा, डोमेन ऑफ दिस s, डोमेन ऑफ दिस s में यहां लिख देता हूं है ना, डोमेन ऑफ दिस s विल बी रियल नंबर्स। ठीक है, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट माई वाई, जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट इज ऑल्सो रियल नंबर, बट आउटपुट आएगा कैसा, आप कोई भी रियल नंबर उठाओ उसका स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, आता हमेशा पॉजिटिव नंबर है ना। अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो सीधी सी बात है, हम क्या कहेंगे, रेंज विल बी व्हाट, आर प्लस। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, बट साथ साथ जीरो भी तो आ सकता है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा। तो आर प्लस यूनियन जीरो, लाइक दिस, इस स्टाइल से हम लोग लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड, दैट इज विजुअलाइजेशन मेथड। आपको अगर थोड़ा सा भी टफ लग रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं दूसरा मेथड आपको और दिखाता हूँ। देखो भाई, सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि आप क्या करो, अगर आपको ये सब विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है ना, तो आप क्या करो, एक्सप्रेस करो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, एक्सप्रेस एक्स मतलब उल्टा काम कर दो इन टर्म्स ऑफ वाई, फिर देखना जरा विजुअलाइज करके, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ, एंड देन विजुअलाइज, एंड देन विजुअलाइज। ठीक है ना, हाँ जी। तो हम कैसे कहेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट वाई। तो अगर x इज इक्वल टू रूट वाई आएगा, तो अब देखो, अब आप वो करो काम, r क्रॉस r वाला है ना। तो ये क्या होता था, ये x रिप्रेजेंट करवाता था और ये किसको रिप्रेजेंट करवाता था, y को। हाँ जी, तो अब यहां से ऐसे डाल लो, लो यहाँ पे ऐसे डालो इनपुट, और यहां से ऐसे, यहाँ पे देखो आप आउटपुट डालो भाई। भाई क्या y डाल सकते हो आप, स्क्वायर रूट। देखो किस रियल नंबर के स्क्वायर रूट रियल नंबर आती है, मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो भाई, आप डाल सकते हो नेगेटिव नंबर, तो ऑब्वियसली डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हो, और पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी डाल दो, नेगेटिव रियल नंबर्स आर नॉट अलाउड। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि y can be पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो, एंड x can be एनी रियल नंबर। तो वही चीज है, y क्या है, y आपको पता है, y क्या रिप्रेजेंट करवाता है भाई, रेंज रिप्रेजेंट करवा रहा है, और x क्या रिप्रेजेंट कराता है भाई, डोमेन। तो अब हमें समझ में आ गया, डोमेन विल बी रियल नंबर एंड रेंज विल बी आर प्लस यूनियन जीरो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एक ही बात है भाई, घुमा फिरा के मैं बोलता था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दो मेथड मैंने आपको दिखा दिए, और तीसरा मेथड पर्सनली मेरे को बहुत आसान लगता है अगर सीधे सीधे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है जी, ग्राफिकल मेथड। तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखाता हूँ, और मैंने आपको बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, सिलेबस जब मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक टाइप का आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा, स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ मैं जरूर दिखाऊंगा, जिससे आपके मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली 90% स्टूडेंट्स को ये ग्राफ बनाने नहीं आते, तो मैं अब आपको ग्राफ बनाने सिखा रहा हूं। अगर आपको आते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो प्लीज मेरे वीडियो को ध्यान से और बहुत ढंग से समझना और नोट्स अच्छे से बनाना, लाइफ टाइम ये चीजें आपके काम आएंगी। और इवन आप IITs के इंटरव्यूज दे रहे होंगे, जब एमटेक के लिए इंटरव्यू देंगे, जैसे IIT दिल्ली है, कानपुर है, वो सब इंटरव्यू के बिना तो स्टूडेंट्स को लेते ही नहीं है, और MS का इंटरव्यू दे रहे हो आप, या रिसर्च असिस्टेंटशिप की जो एमटेक की सीट्स होती है उनका इंटरव्यू दे रहे हो, तो हर जगह मतलब जहां पे भी IITs में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहां पे प्रोफेसर आपसे कम से कम एक ग्राफ बनवा के जरूर देखेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आपसे सीधा पूछेगा ई पावर एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, लॉग एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, है ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ बना के दिखाओ, एंड सो ऑन, वाई इक्वल टू 1/x इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो कोई ना कोई ग्राफ आपसे जरूर बनवा के देखते हैं, वो सिर्फ चेक करना चाहते हैं आपके मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत बेसिक्स हैं भी या नहीं। अगर आपके बेसिक्स मैथमेटिक्स में लूज है तो वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि IITs में मैथमेटिक्स बहुत हैवी चाहिए होती है एमटेक में। अगर आपकी मैथमेटिक्स ही वीक है तो फिर आप IIT में सर्वाइव नहीं कर सकते भाई। और प्रोफेसर्स वहां पे स्क्रैच नहीं करवाते बेसिक्स को, वो सीधा डीप में जाते हैं, सीधा हाई लेवल में चीजों को कराते चले जाते हैं। तो फिर वो ऐसा चाहते नहीं स्टूडेंट की हम ऐसे स्टूडेंट को ले लें जो जिसको कुछ ढंग से चीजें आती नहीं है, और मतलब उनका रिजल्ट भी खराब होगा, ऑब्वियसली बात है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो फिर इसलिए मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, एमटेक में सर्वाइवल का चाहिए आपको, तो मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए, मैथमेटिक्स से आप भाग नहीं सकते। कोडिंग और मैथमेटिक्स दो चीजें हैं भाई, चाहे कोई जितना मर्जी कुछ बकवास करता रहे, यूट्यूब पे आपने बहुत लोगों के लेक्चर सुने होंगे, बहुत कुछ सुना होगा, जो लोग बोलते हैं कि कोडिंग के बिना IIT में सर्वाइवल हो जाता है, मैथमेटिक्स के बिना भी हमारा काम चल जाता है, वो सिर्फ अपना व्यूज इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं, बट कड़वी बात और सच्चाई बात यही है, बिना कोडिंग के और बिना मैथमेटिक्स के आप IIT में सर्वाइव नहीं कर सकते, नाइटमेयर हो जाएगा भाई आपके लिए, आपकी जिंदगी ऐसी बकवास लगेगी आपको वहां पे, क्योंकि लोग इतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रही होंगी चीजें, लोग बढ़ते चले जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे वहां पे। ठीक है, तो अगर आप अच्छी और पीसफुल लाइफ चाहते हैं IIT में, तो कोडिंग और मैथमेटिक्स दोनों चीजें बहुत अच्छे शार्प कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं ज्यादा बातें नहीं करता, मैं सीधा ग्राफ पे आता हूँ और मैं आपको ग्राफ
बना के दिखाता हूँ कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ तो तीसरा मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ, विजुलाइजेशन समझ में आ चुका है, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो विजुलाइज तो सीधा सीधा था, हम इस टाइप से देख सकते थे, और एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई ये भी मैंने अभी आपको बता दिया, वाई इज इक्वल टू एक्सप्रेस था तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई आ जाएगा, तो आप इस तरह से इनपुट आउटपुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलो अब मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ ग्राफिकल मेथड, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हमें इतनी तो समझ में आ चुकी है, वाई क्या बताता है भाई रेंज, और एक्स क्या बताता है भाई डोमेन, ठीक है। तो चलो अब ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल सिंपल ग्राफ में पहले आपको दिखाता चला जाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग और डिटेल में जाते चले जाएंगे। देखो भाई पहला ग्राफ तो हमें नजर आया था यही, ये y is equal to x square, यही था ना हमारे पास अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसका डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, मैं अब आपको दिखाता हूँ। y is equal to x square है, पहली बात तो ये समझो x की वैल्यू मैं पॉजिटिव भरूं या नेगेटिव भरूं, y हमेशा पॉजिटिव ही चलेगा। पहले तो ये देखो, पहले सिंपल प्लॉटिंग करा करो। देखो भाई x is equal to 0 तो y is equal to 0 होगा, x is equal to 1 तो y is equal to 1 होगा, ठीक है, ये 1 और ये 1, लो जी। उसके बाद फिर x is equal to 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी, 4 आएगी, है ना। तो समझ पा रहे होगी आई थिंक, मेरे को एक्चुअली ढंग से बनाना तो नहीं आता है ग्राफ, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद ये पॉइंट्स वगैरह हटा दो भाई, मैं रफली बना रहा हूँ, इस टाइप से बनेगा। अच्छा और साथ साथ ये देखो जब माइनस वैल्यू भरोगे तो फिर वाई की वैल्यू फिर भी पॉजिटिव रहेगी, आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव भरो चाहे पॉजिटिव भरो, वाई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो बस ऐसे याद कर सकते हो आप, ये पैराबोला होता है भाई, है ना, ऐसे, ये मैंने ढंग से नहीं बनाया ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए है भाई, अब वही बात है ये पॉइंट भी ढंग से नहीं बना मेरे से, है ना, तो लो ऐसे मैं बनाता हूँ ऐसे और ऐसे, अब ठीक है, है ना। हाँ जी तो ये किसके लिए बनाया भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बनाया। आप प्लीज चेक कर सकते हो, पॉइंट्स ले लो, ये तो बिल्कुल बकवास बात है, ग्राफ पेपर पे आपको चीजें बनाने तो आती होंगी, तो मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, मैं फटाफट बताता जा रहा हूँ, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये बहुत सारे ग्राफ मेरे को कराने। हाँ जी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा निकल के आएगा। अच्छा चेकिंग समझ में आ गया ना, देखो आपको सिंपली ये चेक करना था, वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देख लो भाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू आप पकड़ सकते हो एक्स की, देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ग्राफ में, बट वाई हमेशा पॉजिटिव ही चल रहा है और इंक्लूडिंग जीरो है। तो बस मैंने आपको बताया था ना डोमेन रेंज, आप देखो ग्राफ से आप एक झटके में बताओगे, हाँ जी एक्स की वैल्यू कुछ भी चल सकती है। तो एक्स क्या होता था भाई, याद है ना, एक्स होता है डोमेन और वाई क्या होता है जी रेंज। हाँ जी तो डोमेन क्या हो गया भाई, डोमेन हो गया इसका पूरा रियल नंबर, और रेंज रेंज क्या होगी भाई, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, यूनियन जीरो, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन देखो भाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसा ग्राफ होगा भाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बहुत आसान है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी भरते रहो, ठीक है, आप कुछ मर्जी भरते रहो, वाई विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ये मत समझ पा रहे हो। देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी भरोगे तो स्क्वेयर करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, और जब स्क्वेयर करने के बाद पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा तो एक किस्म से वाई हमेशा नेगेटिव चलेगा, इट हार्डली मैटर्स टू मी, एक्स कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो स्क्वेयर है तो पॉजिटिव नेगेटिव को मारो गोली, फाइनली एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे देखो आप एक्स की वैल्यू -3 -2 भरो, -2 भरोगे तो एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट 4, 4 होगा तो वाई विल बी व्हाट -4, है ना। तो एक्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट हार्डली मैटर्स टू मी, फाइनली वाई की वैल्यू तो मेरे पास नेगेटिव ही आएगी। तो आप समझ पा रहे होगे ये ग्राफ बिल्कुल नीचे हो जाएगा ऐसे, आप प्लीज चेक कर लेना लाइक दिस, ठीक है जी। तो बस अब आप इसकी डोमेन रेंज एक मिनट में बता दोगे, पूरी एक्स चल रही है ना इसका डोमेन, है ना, एक्स क्या होता था डोमेन और वाई क्या होता था रेंज, तो डोमेन पूरा एक्स है हमारे पास, तो सीधी सी बात है डोमेन मतलब ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है और ये सारा ले पा रहे हैं हम लोग, तो डोमेन इज रियल नंबर और रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव रियल नंबर्स आर नेगेटिव यूनियन जीरो, ठीक है, समझ गए होगे आई थिंक आप लोग। अच्छा नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ देखो भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y square is equal to x कैसे बनेगा, विजुलाइज कर लो फटाफट से, बस y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी भरो, x हमेशा पॉजिटिव चलेगा, अगर x हमेशा पॉजिटिव चलेगा तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, लो जी ये बन गया, ठीक है, ये है जी y is equal to, y square is equal to x का ग्राफ। तो बस डोमेन रेंज आप एक झटके में बता दोगे, ग्राफ देख लो कितना आसान काम हो गया, ग्राफ बनाते ही एक सेकंड में आंसर आएगा। आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो भाई x एक्सिस क्या बताती है डोमेन और y एक्सिस क्या बताती है रेंज, तो y रेंज तो देखते समझ में आ रहा होगा, पूरा पूरी y चल रही है ना, इसका मतलब रेंज क्या होगा जी रियल नंबर्स, और डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन बताओ, डोमेन विल बी इक्वल टू व्हाट, डोमेन विल बी ओनली x एक्सिस, x एक्सिस क्या है सिर्फ पॉजिटिव है, तो मतलब r पॉजिटिव यूनियन जीरो, देख रहा एक झटके में आंसर आया। अगला देखो भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब मैं चाहता हूँ आप मुझे बता दो फटाफट से, माइनस एक्स समझ गए होगे, बस ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और क्या होगा, है ना, लो जी ये हो गया जी माइनस एक्स, ठीक है,
ये टच करेगा प्रॉपर, वही बात है, मेरे से ढंग से बनते नहीं है ग्राफ, ग्राफ ड्राइंग वगैरह मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ढंग से ड्राइंग बना पाऊंगा, ठीक है, मेरे को ड्राइंग वगैरह ढंग से बनानी नहीं आती। हाँ जी, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमने बना दिया है, कैसे सोचा मैंने ये बात समझ आ रही है? देखो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे सीधा फंक्शन आ गया आपके पास, तो आप कैसे सोचोगे? कोई टेंशन ही नहीं, आप बोलो वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मैं कुछ मर्जी भरता रहा हूं, बट एक्स की वैल्यू हमारे पास हमेशा नेगेटिव ही आएगी, समझ पा रहे हो? देखो आप ऐसे भी सोच सकते थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ, अगर आपको चीजें याद नहीं आ रही तो ठीक है। देखो इससे मैंने ये तो बहुत जल्दी बना दिया क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मेरे को मैंने अभी बना के दिखाया था, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स मैंने क्या कहा, बस इसका उल्टा कर दो और कुछ नहीं। बट वही बात है, एग्जाम में अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया तो आप कैसे सोचोगे? तो सोचने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप कैसे सोचेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स था तो आप बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है। अब वही बात आएगी, वाई कैन टेक एनी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी भरो, एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर एक्स मेरा हमेशा नेगेटिव आएगा तो बस फिर आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि इस टाइप से कुछ ना कुछ बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, स्क्वायर है तो पैराबोला ही बनना है। हाँ जी, तो इस टाइप से पैराबोला बन जाएगा। ठीक है जी, बस हमारा काम खत्म है। अब बताओ मेरे को डोमेन क्या और रेंज क्या है। लो जी, डोमेन और ये रेंज, डोमेन क्या होती थी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या चल रही है हमेशा नेगेटिव, तो आर नेगेटिव यूनियन जीरो। अच्छा और रेंज क्या होगी भाई, रेंज आपको देखते समझ में आ रही है, रेंज क्या है, पूरी वाई एक्सिस चल रही है तो रेंज इज रियल नंबर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले मतलब पैराबोला मैंने आपको चारों बना के दिखा दिया, तो चार पैराबोला हमने बनाए हैं। अब बस समरी में मेरे को वैसे नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, है ना, क्योंकि वीडियो बस्ती का लंबा होगा, आप यहीं पे देखो सारे मैंने बना के दिखा रखे हैं आपको। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, चार बनते हैं, चार एक चारों मैंने आपको दिखा दिए हैं। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ मैं। और वैसे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो, अगर इलेवंथ ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये 4ax टाइप होता है। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता मैं, मारो गोली सब चीजों को। ठीक है, अच्छा बस ये चीज थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर कुछ ऐसा होता ग्राफ तो आप क्या करते? कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, जब एक्स की वैल्यू आप जीरो भरोगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास वन निकल के आएगी, मतलब ये देखो बस ये वन ऐसे। ठीक है, अब ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ठीक है, जीरो तक नहीं जाना आपको। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना, ग्राफ बन गया तो फिर वो डोमेन रेंज तो एक झटके में निकल के आती है, आपको टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो फिर मैं ऐसे शुरू कर लेता, है ना, वाई सॉरी ये है ना वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन था तो ये ग्राफ बन जाएगा, और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, तो आप कोई भी कॉन्स्टेंट आएगा तो आप बड़े आराम से बता दोगे, है ना, माइनस वन हुआ तो ये लो माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू माइनस वन है, लो जी माइनस वन आ गया, तो ऐसे चलेगा ग्राफ। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, डोमेन रेंज अब आप अपने आप बता सकते हो, मेरे को इसमें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो ठीक है, तो मैं अब इस चीज को हटाता हूँ और थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, हटा रहा हूँ मैं इसको, डोमेन रेंज बता दोगे ना, इसकी होमवर्क है आपके लिए, अपने आप देखना, बार बार बोल रहा हूँ भाई, एक्स एक्सिस क्या हो जाती है डोमेन और वाई एक्सिस क्या हो जाती है रेंज, बस और इतना याद रखना है आपको, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अब हम लोग। वैसे ना इसमें शायद थोड़ा सा ना आपको दिक्कत आ सकती है रेंज लिखने में, लिख तो लोगे वैसे आप, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। देखो भाई डोमेन तो कोई टेंशन है ही नहीं, डोमेन तो आप बता दोगे रियल नंबर है, रेंज आप कैसे बताओगे? रेंज विल बी व्हाट आर पॉजिटिव, क्योंकि वाई हमेशा पॉजिटिव चल रहा है, बट इसमें से ना जीरो से वन तक आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हो, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, 0,1, ये एक इंटरवल है, मतलब हम वन तो इंक्लूडेड है, और देखो वन आपको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वन तो लेके आ रहा है, और जीरो इंक्लूड करना है, लाइक दिस ऐसे बोलना होता है इसको। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे रेंज विल बी व्हाट आर प्लस माइनस 0,1, ये क्लोज इंटरवल है भाई, क्लोज इंटरवल मतलब जीरो इज इंक्लूडेड, और ये जो दिखाते हैं हम लोग ये होता है ओपन इंटरवल। मैं शायद बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ बट मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई, इस अगर नहीं आएंगी तो फिर आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, कल ना परसों कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ बातें बोलूंगा और आप फंसोगे, तो इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। तो रेंज विल बी व्हाट आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे बट सारे नहीं ले सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि हम माइनस क्या करेंगे भाई, एक तो जीरो जीरो एक्सक्लूड रखना है और साथ में वन सॉरी जीरो इंक्लूडेड है और वन एक्सक्लूडेड है, रादर वैसे आर प्लस मैंने ले लिया क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर लिया है तो उसमें से जीरो वैसे ही एक्सक्लूडेड है, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे इसको। ठीक है, लाइक दिस,
देखो सीधी सी बात है, सर्कुलर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है भाई, एक्सक्लूडेड, इसको नहीं लेना होता, ओपन इंटरवल जिसको हम लोग कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है भाई, इंक्लूडेड, ठीक है। तो अगर ये चीज है ना 0,1 ऐसे मैंने लिखा है तो मैं क्या बोलूंगा, 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to 1 ऐसे बोलना होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ऐसे बोलता हूं 0,1 लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0 और 1 इंक्लूड नहीं किया है हमने, तो हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन का मतलब क्या होता है, 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं हुए है। मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं भाई, ये सब आपको आनी चाहिए, बेसिक बेसिक सी बातें हैं। बिटवीन का मतलब क्या होता है, 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है जी। तो बिटवीन 0 एंड 1, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, 0 to 1, मतलब 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। तो ये क्या है, ये क्या है जी, ओपन इंटरवेल, दिस इज ओपन इंटरवेल, और इसका मतलब क्या होता है जी, क्लोज्ड इंटरवेल, ठीक है, दिस इज क्लोज्ड इंटरवेल। ये चीजें बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीजें आपको आनी चाहिए, मेरे ख्याल आती होंगी आपको, आती होंगी तो शायद लग रहा होगा कि टाइम पास हो रहा है, बट स्टिल जिनको नहीं आती मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से समझ लूंगी, ठीक है। ये क्लोज इंटरवेल, ये ओपन इंटरवेल, ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने क्या बोल दिया, 0,1, तो बिटवीन 0 एंड 1 मैंने सारे नंबर एक्सक्लूड रखने हैं। अच्छा, और वैसे मैं चाहता यहाँ पे तो मैं ये भी लगा सकता था, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है, क्योंकि आर प्लस में 0 होता ही नहीं, तो इट हार्डली मैटर्स टू मी, माइनस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक आप समझ लोगे बेसिक सी बात है, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक दो ग्राफ में आपको और बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ और फंक्शन लेता हूं और वो भी दिखाता हूं, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, अब देखो फंक्शंस और सिंपल सिंपल फंक्शंस मैं दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में और बहुत ज्यादा टफ फंक्शंस हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन देखो भाई, y इज इक्वल टू x, ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, एक्चुअली रिलेशंस में चल रहे हैं, एक्चुअली सारी चीजें फंक्शन में ही आती हैं, बट स्टिल मैं रिलेशन में आपको कवर अप करा रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ओनली, और इसके ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है, डिटेल में आपको फंक्शन में दिखाता हूँ। हाँ जी, y इज इक्वल टू x, इसको वैसे मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होता है, आई थिंक आप सजेस्ट कर पा रहे हो कि y इज इक्वल टू x है, तो सीधी सी बात है भाई, जब x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है, डॉट डॉट डॉट, और x माइनस 1 तो y माइनस 1, तो समझ पा रहे हो, सीधी लाइन चलेगी ओरिजिन से पास होती हुई, ठीक है, वही बात है, मेरे से ओरिजिन से पास नहीं हुई लाइन, है ना, तो लो भाई अब मैं क्या करूँ, मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, तो लो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, अब ठीक बनेगा, लो ठीक है, ये हमारा ग्राफ होगा। तो अब बस मेरे को फटाफट बता दो डोमेन, बहुत आराम से आप देखते बताओगे डोमेन क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस वाली, देखो सारी एक्स एक्सिस वाली पॉइंट्स हम इंक्लूड कर रहे हैं और सारे वाई एक्सिस वाले भी पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं, तो डोमेन विल बी इक्वल टू रियल नंबर्स और रेंज विल बी इक्वल टू रियल नंबर्स ओनली, ठीक है, सभी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है जी। और इसको हम लोग ऐसे ऐसे ही बोल सकते थे, रियल नंबर है ना, तो हम इसको ऐसे बोल सकते थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और प्लीज ये ध्यान रखना ओपन इंटरवल बोलना, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ठीक है, तो इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, और इसको भी हम लोग, ठीक है, तो रियल नंबर है तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ठीक है जी, आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंटरवल वाली भाषा आपको आनी चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपको बोल देता वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आप क्या कर लेते, चलो तो मैं नीचे दिखाता हूँ, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, बड़ा आसान ग्राफ है भाई, एक झटके में आप बना देंगे। हाँ जी, तो ऐसे बोलो 0 तो 0, अच्छा जी, और जब एक्स की वैल्यू आप 1 भरेंगे, x की वैल्यू 1 भरेंगे तो y की वैल्यू तो -1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 भरेंगे तो y की वैल्यू तो -2 आ जाएगी, सिमिलरली x की वैल्यू -1 तो फिर y 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे होंगे भाई, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा और इस टाइप से आएगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है ना, समझ गए होगे आई थिंक। तो अगेन वही बात आएगी, डोमेन विल बी इक्वल टू व्हाट, एंटायर रियल नंबर्स, और रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट, ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बेसिक से बात है। चलो ठीक है जी, मैं इसको हटाता हूँ और कुछ फंक्शंस की आपसे बात करता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट फंक्शन देखो भाई, अगर हम बोले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है सारे के सारे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स एंड सो ऑन, है ना। हाँ जी, तो एक्स क्यूब बताओ भाई कैसे बनेगा, देखो आप प्लीज चेक करना अपने आप से, बना बना के देखना, देखो जब 0 तो 0, 1 तो फिर ये 1 ही आएगा, अच्छा उसके बाद 2 आएगा तो फिर काफी बड़ा ऊपर 8 आएगा, 3 आएगा तो आप सॉरी 2 का क्यूब 8, हाँ ठीक है 3 आएगा तो 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन, तो बहुत स्पीड से ऐसे ग्रो करता जाएगा, बहुत स्पीड से ग्रो करेगा, ठीक है, और जब नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव ही चलेगा, तो नेगेटिव में भी ऐसे काफी स्पीड से ग्रो करेगा, इस टाइप से ये बन जाएगा ग्राफ। तो आप देखते समझ पा रहे हो गए, डोमेन रेंज में देखो सारे नंबर, सारे कोई नंबर छूट नहीं रहा है, तो डोमेन विल बी इक्वल टू व्हाट,
डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट, ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, समझ पा रहे? देखो y एक्सिस पूरा स्पैन कर रहा है ना, x एक्सिस भी पूरा स्पैन कर रहा है ना ये ग्राफ। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो बस ठीक है, हमारी बात एकदम ठीक है। डोमेन विल बी ऑल द रियल नंबर्स एंड रेंज विल बी ऑल द रियल नंबर्स। हमें चेक करने की जरूरत नहीं, टेंशन की एक परसेंट भी बात नहीं है, बस ग्राफ बनाओ, एक झटके में आंसर आएगा। तो देख लो कितना पावरफुल मेथड है ग्राफ। ठीक है, तो y इक्वल टू x क्यूब हमने बहुत आराम से आपको बना के दिखा दिया है और डोमेन रेंज भी हमने देख ली है। चलो नेक्स्ट फंक्शन पे अब हम लोग आते हैं। लेट अस सपोज आई टेक y इक्वल टू 1 बाय x। अब आप क्या करोगे 1 बाय x? देखो ये बड़ा अच्छा फंक्शन है, खास बात बताओ मेरे को 1 बाय x से क्या होगी? x जीरो हो ही नहीं सकता, आप यहीं से देख के बताओगे। जब x जीरो होगा तो y विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा, और x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। देखो शुरुआत ऐसी करनी होती है, आप एक पॉइंट देख लो उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। हाँ जी, तो x 1 तो फिर y 1, लो जी ये बन गया x 1 तो फिर y 1। अच्छा जी, अब आप ये देखो जब x की वैल्यू छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, तो y की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएगी। जैसे सपोज करो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी 10। x की वैल्यू लेता हूँ 0.01, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी 100, डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। तो अगर 0 और 1 के बीच में है ना x, तो y की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही है। तो मतलब इस स्टाइल से चल रहा होगा और धीरे धीरे कम ऐसे हो रहा होगा, है ना। बट इसको टच नहीं कर पाएगा कभी भी, क्यों? क्योंकि टच करने का मतलब क्या हो जाएगा कि x इज 0, x इज 0 पे फिर y अनडिफाइंड है, ये आपको पता है। जब x 0 है तो y अनडिफाइंड है, इनफिनिटी है वो, है ना। ठीक है जी, तो फिर फाइनली हम इसको टच नहीं करा पाए। सिमिलरली अच्छा आप देखो, जब x की वैल्यू मैं 2 ले लूंगा, x की वैल्यू 2 ले लूंगा, तो y विल बी 1/2। तो धीरे धीरे ये और y घटता चला जाएगा, जैसे x बढ़ता चला जाएगा y घटता चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो अगेन y की वैल्यू हम लोग 0 कभी भी नहीं ला पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना ये टच नहीं कर पाएगा इसको, समझ रहे हो ना। y की वैल्यू हम लोग 0 कभी ला ही नहीं पाएंगे, 1 by something is 0, तो क्या 1 by something क्या लेंगे 0 आए, ऑब्वियसली अनडिफाइंड इन्फिनिटी वाली बात आ जाएगी। आप समझ पा रहे हो, है ना, आप ऐसे भी चेक कर सकते थे। ये देखो y इज इक्वल टू 1 by x है, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 by y। हाँ, तो y की वैल्यू मैं क्या भरूं कि x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए, ऑब्वियसली हम नहीं भर पाएंगे, है ना, तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा सिमिलरली जब मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूंगा, तो आप प्लीज अपने आप से चेक करके देखना, ये ऐसा ही ग्राफ इस टाइप से ऐसे नीचे भी बनेगा। ठीक है, आप प्लीज अपने आप से चेक कर लेना, इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपरबोला 2 बनते हैं, पैराबोला तो एक ही बनता है ना। ये देखो पैराबोला लाइक दिस, है ना, पैराबोला लाइक दिस और लाइक दिस, बट हाइपरबोला पेयर में चलता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, दिस इज आवर हाइपरबोला। ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। अब बस अब मेरे को फटाफट डोमेन रेंज बता दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताओ भाई, डोमेन रेंज इसके x एक्सिस बताओ और y एक्सिस बताओ, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। डोमेन वाली क्या बात है, x एक्सिस, तो x एक्सिस में आप सारे पॉइंट इंक्लूड कर पा रहे हो, ये सारे पॉइंट इंक्लूड कर पा रहे हो x एक्सिस पे, बताओ मेरे को फटाफट। डोमेन ऑफ x, सॉरी डोमेन ऑफ दिस रिलेशन r और रेंज ऑफ दिस रिलेशन r। ठीक है जी, हाँ जी बताओ भाई, x की वैल्यू क्या मैं सारी ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बस मैं 0 तक नहीं पहुंच पा रहा, बाकी तो सारी लेके आ पा रहा हूँ, 0 नहीं लेके आ पा रहा, है ना। तो डोमेन ऑफ r विल बी इक्वल टू व्हाट, r माइनस 0। ठीक है जी, अच्छा जी, और रेंज बताओ भाई, समझ पा रहे हो ना। देखो ये जो ग्राफ है x एक्सिस, देखो भाई x एक्सिस पे हर एक एक पॉइंट है मेरे पास, हर एक पॉइंट है, बट 0 तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, है ना। ये देखो और ज्यादा नजदीकी, तो बहुत नजदीक होता चला जाएगा, बट मिलेगा कहीं नहीं। जब मिलेगा कहीं नहीं, तो आप समझ पा रहे होंगे सारे एक्सेसिस से पॉइंट है मेरे पास, ये देखो यहाँ पे भी नीचे वैसे चलेगा, सारे एक्सेसिस के पॉइंट होंगे, 0 नहीं होगा। अच्छा रेंज में भी बिल्कुल वही बात आएगी, आप समझ पा रहे होंगे, रेंज ऑफ r विल बी अगेन व्हाट, r माइनस 0, है ना। वाई एक्सिस के पॉइंट देखो आप, वाई एक्सिस में आप कभी भी 0 तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मतलब ओरिजिन तक आप कभी नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, आई थिंक मेरे को बार बार बोला कि आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, डोमेन और रेंज हमने 1 बाय x की कितने आराम से और कितनी इजीली निकाल के दिखा दी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, यही फायदा है हमारे पास ग्राफिकल मेथड का, एक झटके में आंसर आएगा, बट ओनली थिंग इज ये स्टैंडर्ड फंक्शन पे काम आएगा, नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन में हम फंस जाएंगे। जैसे मैं ये ले लूं y = x³ - x² यहां मैं फंस गया, है ना। अब यहाँ ग्राफ बनाऊं वो तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो नॉर्मल मेथड था उस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वही x की वैल्यू भरो और y की वैल्यू निकालो एंड सो ऑन। ठीक है जी, चलो ठीक है, फिलहाल मैं अभी इस पे जंप नहीं करता, जब और क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां मैं सबकी बात भी कर लूंगा। ठीक है जी, तो y = 1 / x भी हो गया, y = x³ हो गया, अब मैं हटा रहा हूं और बाकी ग्राफ बना के दिखाता हूं, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, अब आ जाओ जी नेक्स्ट ग्राफ पे। तो पॉलिनोमियल वाली बात हो गई, है ना, 1 / x वाली बात हो गई, तो और हम क्या देख सकते हैं, और लो भाई y = e पावर x, इसका ग्राफ कैसे होगा।
बहुत बहुत बेसिक ग्राफ है और बहुत बार आता है, इनफैक्ट एमटेक में इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। तो ई की वैल्यू 2.7 समथिंग कुछ होती है ना, पावर एक्स आपको चाहिए, तो इसमें ज्यादा फंसने की बजाय आप 2 पावर ले लो, है ना, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, 2.7 हो कुछ भी हो, मतलब कॉन्स्टेंट पावर एक्स है बस, और क्या है ना। तो 2 पावर एक्स का मेरे को ग्राफ बनाकर दिखा दो, बहुत आराम से बन जाएगा वो, फिर हमारी टेंशन लगभग खत्म हो जाएगी। फिर जैसा 2 पावर एक्स का नजर आएगा ऐसे 2.7 एक्स का नजर आएगा, ऐसे 3 पावर एक्स का, 4 पावर एक्स का, 5 पावर एक्स का, जो मर्जी पावर एक्स लगा लो उसी टाइप का लगभग ग्राफ आपको नजर आएगा। मैं बनाकर दिखाता हूँ फटाफट से, बहुत आसान ग्राफ है। लो भाई, हाँ जी, तो 2 पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 पावर एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? देखो एक्स इज इक्वल टू 0 भरोगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। लो जी, एक्स इज इक्वल टू 0 भरोगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू 2 भरोगे तो वाई की वैल्यू, चलो एक्स की वैल्यू 1 भरो तो वाई की वैल्यू 2 नजर आएगी, है ना, तो मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू 2 भरोगे तो वाई की वैल्यू 4 नजर आएगी, एंड सो ऑन, इस टाइप से, मतलब बहुत स्पीड से, मैं लो बहुत स्पीड से ग्रो करेगा ये ग्राफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसलिए बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। अच्छा जी, अब माइनस वैल्यू भर के देखो, 2 पावर -1 विल बी 0.5, फिर 2 पावर -2 विल बी इक्वल टू 0.25, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2 पावर -3 दैट विल बी इक्वल टू 0.125, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ मर्जी ले लूं, वाई की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं जा सकती, आप ये चीज चेक कर पा रहे हो? देखो वाई की वैल्यू, ये वाई है ना, वाई इज इक्वल टू 2 पावर -1, एक्स की वैल्यू मैंने -1 भरी तो वाई की वैल्यू कितनी है 0.5, एक्स की वैल्यू मैंने -2 भरी तो वाई की वैल्यू कितनी है 0.25, एंड सो ऑन। तो मतलब खास बात ये नजर आ रही है हमें कि वाई की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं जाएगी, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, और इवन 0 भी कभी नहीं जा पाएगी, है ना। 2 पावर क्या लूं कि वैल्यू 0 आ जाए, नहीं आ सकता कुछ भी, है ना। 2 पावर मैं वैल्यू क्या लूं कि फाइनल आंसर 0 आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो फाइनली, और मैथमेटिक्स से भी आप चेक कर सकते हैं, मैं ज्यादा इसमें घुस नहीं रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो वही बात है, मेरे से अब कर्व तो बनेगा नहीं, ऐसे धीरे 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 ऐसे आते चले जाएंगे, बट ये एक्स एक्सिस को टच कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बस अब मेरा काम ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा फाइनली डोमेन क्या होती थी भाई, एक्स एक्सिस वाली बात, डोमेन विल बी व्हाट, ऑल द रियल नंबर्स, जो मन कर रहा है पूरी रियल नंबर भर लो, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस स्पैन हो रही है। अच्छा जी, रेंज बताओ भाई, रेंज वाई एक्सिस वाली बात है, तो वाई एक्सिस कहां तक, देखो सिर्फ पॉजिटिव लेके आ पा रहे हैं हम लोग, सारी पॉजिटिव वैल्यू लेके आ सकते हैं वाई पे, 0 नहीं लेके आ सकते, ठीक है, और फाइनल नेगेटिव भी नहीं लेके आ सकते। तो रेंज विल बी व्हाट, पॉजिटिव रियल नंबर ओनली, ठीक है, बस इतना करके मैं भाग सकता हूँ, क्योंकि 0 भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है जी। चलो ठीक है, फाइनली ऐसा ही ग्राफ, अब 2 पावर एक्स ऐसा ग्राफ आया तो ऑब्वियसली 2.7 का कुछ इसी टाइप से ही आएगा, बस थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ग्राफ, और क्या है ना, इसी टाइप से ग्राफ आएगा, 3 पावर एक्स, 4 पावर एक्स, 5 पावर एक्स, जो मर्जी बना लो इसी टाइप का ग्राफ बनेगा, शेप ऐसी आएगी, इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो मतलब मेन बात यह है कि डोमेन ये रहेगा और रेंज ये रहेगा, ठीक है जी, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ई पावर एक्स का ग्राफ भी हमारा हो गया है। अच्छा आप देखो लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, मैसेज को हटाता हूँ। हाँ जी, लॉग एक्स का ग्राफ देखो, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, तो बेस हमें लेना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपको बताऊंगा बेस ई लेके चलते हैं हम लोग, तो ई ले सकते हो, वही बात है 2.7 आएगा, फिर वही बात है हमें कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो जाएगी, तो लॉग बेस 2 ले देते हैं, ठीक है, वाई इज इक्वल टू लॉग बेस 2x, इसका ग्राफ मैं फटाफट बना के दिखाता हूँ। देखो भाई कैसे बनेगा इसका ग्राफ, बहुत सिंपल ग्राफ है, आप पहले तो बात करो x की वैल्यू आप 1 ले लो, अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो 2 पावर 0 होगा तो y विल बी 0, तो ये वाला पॉइंट हमने लेना ही लेना है, ठीक है ना, यहीं से शुरुआत होती है बस ग्राफ बनाने की। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब मैं x की वैल्यू 2 ले लूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ये 2 होएगा तो ये 1 ऐसे, फिर x की वैल्यू मैं अगर 4 ले लूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो देख पा रहे हो x बहुत स्पीड से ग्रो करेगा बट y उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे चिपका चिपका सा कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बन रहा, ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा। अच्छा जी, और अब नेगेटिव में हम कहाँ तक जाएंगे, देखो x की वैल्यू आप ये समझ पा रहे हो ना, देखो ये तो पता होगा ना सबको, लॉग बेस 2 4 क्या होता है भाई, लॉग बेस 2 2 पावर 2, तो 2 आगे आ जाता है, लॉग बेस 2 2 कैंसिल हो जाता है, तो बेसिक बेसिक सी बातें मेरे ख्याल पता होंगी सबको, अगर ये सब भी नहीं पता तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता भाई, ठीक है, इतना बेसिस में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी, तो अब देखो माइनस वैल्यू वैल्यू भर के देखो, 2 पावर -1 भरोगे तो फिर फाइनली -1 आ जाएगा, है ना, और लॉग बेस 2 ये देखो 0.25 भरो तो 0.25 का मतलब, या चलो ऐसे भरो लॉग बेस 2 2 पावर -2 ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा खींचता नहीं है ना, तो -2 लॉग बेस 2 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, है ना,
तो 2 पावर -3 भरेंगे तो -3 आ जाएगा एंड सो ऑन, तो हम ऐसे चलते चले जाएंगे। बट वही बात है, मैं इसको टच कभी नहीं करवा पाऊंगा। क्यों टच नहीं करवा पाऊंगा? क्योंकि जीरो अगर आपको चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो में भर दूं अगर, ठीक है, तो हमारे पास बात नहीं बनेगी। आपको पता होगा ना लॉग बेस 2 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है, वो मैथमेटिकली आप चेक भी कर सकते हैं, मैं इसमें ज्यादा घुस नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है जी, तो फाइनली इसको टच नहीं करेगा वो, ठीक है। तो बस फाइनली अब हम डोमेन रेंज आपको बड़े आराम से बता देंगे। बोलो भाई डोमेन क्या होगा? भाई डोमेन में हमें क्या, वही एक्स एक्सिस डोमेन होता है और वाई एक्सिस हमारा रेंज होता है। बताओ भाई एक्स एक्सिस में क्या क्या वैल्यू लेके आ सकते हो? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके आ सकते हो, है ना, आर प्लस जीरो भी आप नहीं जा पा रहे हो, है ना। अच्छा जी रेंज बताओ भाई, रेंज रेंज विल बी व्हाट? ऑल द रियल नंबर्स, है ना, आप वाई एक्सिस में हर एक एक पॉइंट को टच करते हो चल रहे हो, तो रेंज विल बी आर, ठीक है। तो लॉग एक्स वाला फंक्शन भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब एक आधा और देख लो, कॉन्स्टेंट फंक्शन रह गया, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में आपको दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन तो बहुत आसान होते हैं भाई, आपको मेरे ख्याल से बनाने आते होंगे, तो मैं सिर्फ फटाफट बना के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ कैसा होगा? कॉन्स्टेंट मतलब कोई वैल्यू ले लो, फिर y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल 3 का ग्राफ कैसे बनेगा? 1 2 3, तो y 3 चल रहा है, बस ऐसे बात करो, y 3 चल रहा है, x को मारो गोली, मेरे को मतलब ही नहीं x से, तो मतलब लो भाई ये पैरेलल, ठीक है। y इज इक्वल टू -3 होता तो मैं नीचे बना देता, है ना, y इज इक्वल टू +4 होता तो ऊपर बना देता, y इज इक्वल टू -5 होता तो मैं नीचे बना देता, पैरेलल लाइन, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी अब ये देख लो, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के लिए कैसे ग्राफ बनाओगे? 1 2 3 4, x 4 है बस, y को मारो गोली, तो ये लो, ठीक है। डोमेन रेंज बता दो, बड़े आराम से आप मेरे को बताओगे डोमेन रेंज। लो भाई पहले तो इसकी बात करो, y इज इक्वल टू 3 ग्राफ के लिए डोमेन क्या होगा भाई और रेंज क्या होगा भाई? डोमेन क्या होता है भाई? x एक्सिस, x एक्सिस पे हर एक एक वैल्यू आप लेके आ रहे हो, तो डोमेन इज रियल नंबर, और रेंज क्या है भाई? सिर्फ एक वैल्यू है, वाई सिर्फ 3 ही चल रहा है, तो लो जी रेंज है जी 3, ठीक है। सेट के फॉर्मेट में लिखना प्रॉपरली, इस ग्राफ में बात करो x इक्वल टू 4 में आपको क्या नजर आ रहा है भाई? डोमेन बोलो भाई, डोमेन इज व्हाट? 4, सिर्फ एक ही वैल्यू है, और रेंज विल बी व्हाट? एंटायर रियल नंबर्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। आई थिंक आप समझ गए, कॉन्स्टेंट फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब देखो अब एक दो फंक्शन हो रहा है, मैं वो भी दिखाता हूँ, हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा जी अब देखो मॉड एक्स, ठीक है, ये आई थिंक पता होगा सबको, है ना, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, बार बार वही बात फंक्शन बोलता जा रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन का ही टॉपिक है एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ जी, तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी बात करो भाई। देखो खास बात क्या है, ये ऐसे चलता है, देखो अगर x हमारे पास नेगेटिव है, ये आपको पता है ना, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव जो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो जैसे सपोज करो मैं x की वैल्यू -5 ले लेता हूँ, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट? 5 ओनली। x इज इक्वल टू -10 ले लेता हूँ, तो y विल बी इक्वल टू 10 ओनली, मतलब साइन को मारो इग्नोर, आपको साइन से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेके आनी है हमें, है ना। हाँ जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रोकन वैल्यू टाइप्स, तो x माइनस एक्स कब हो जाएगा? जब एक्स इज लेस देन जीरो, और प्लस एक्स कब हो जाएगा? जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बस अब बड़े आराम से मैं इसका बना के दिखा दूंगा आपको, बहुत सिंपली ग्राफ बनेगा। देखो भाई सीधी सी बात है, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो चल रहा है, एक्स की वैल्यू वन है तो फिर वाई की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू टू है तो वाई की वैल्यू टू है, है ना, डॉट 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 डॉट, तो ये ऐसे सीधी चलती चली जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं आपको, मतलब y = x हो गया, सीधी सी बात है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y = x हो गया, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो भी y हमारा पॉजिटिव ही चल रहा है, मतलब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 ही है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 2 ही है, तो आप समझ गए होगे लाइक दिस, ठीक है, वो बना लेना अपने हिसाब से ग्राफ, तो ये इस स्टाइल से ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक डॉग्स बहुत ज्यादा बार्क कर रहे हैं भाई बाहर, प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लगाओ, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, वो मेरे बस से बाहर की बात है, ठीक है जी। एक्चुअली रात को ऐसे ही होता है भाई यहाँ पे, है ना, मेरे को वीडियो रात को बनाने पड़ जाते हैं, कई बार लेट हो जाता हूँ बनाते बनाते, दैट्स व्हाई, ठीक है जी। तो आई थिंक समझ गए होगे आप, इस स्टाइल से हमारा ग्राफ बन के आएगा, ठीक है जी। तो मॉड एक्स का ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में रखनी है, डोमेन बता दो, रेंज बता दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बताओ भाई डोमेन क्या होगा? भाई डोमेन हम गेस कर पा रहे हैं एक्स, सारी एक्स की वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो डोमेन विल बी रियल नंबर। रेंज वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चल रहा है, तो आर प्लस प्लस मतलब आर प्लस यूनियन जीरो, जीरो भी हमें लेना है बीच में, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। अच्छा एक दो और मेरे मन में आ रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, हटा रहा हूं मैं इसको। अब हम ले लेते हैं ये
सीलिंग फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन, इनके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो वही चीजें मैं आपको अभी बताता जा रहा हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया था, बेस है पूरी कंप्यूटर साइंस का, तो हर एक एक सब्जेक्ट में ये सब चीजें यूज होंगी, तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझ के चलना, ठीक है जी। हाँ जी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, ये सीलिंग फंक्शन होता है ना। सीलिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स का सीलिंग फंक्शन, इसकी मतलब क्या होता है आपको पता है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन द गिवन रियल नंबर, स्मॉलेस्ट इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन गिवन रियल नंबर, ठीक है। रफली लिख रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं प्लीज उस पर ध्यान लगाओ। तो सीलिंग फंक्शन क्या कहता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन द गिवन रियल नंबर, तो जो भी रियल नंबर हमें गिवन होगा उसे जस्ट बड़ा हमें इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना होता है, इज जस्ट ग्रेटर देन द गिवन रियल नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं जीरो से लेकर, जीरो से हमारा नंबर जस्ट बड़ा है, मतलब जीरो से बड़ा है, और वन से छोटा या बराबर है, तो उस केस में सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा, That is nothing but one only, है ना? मतलब आपने बोल दिया 0.5 के corresponding one आएगा, 0.9 ले लिया उसके corresponding भी one आएगा, 0.001 भी ले लिया उसके corresponding भी one आएगा, I think ये पता होगा सब लोगों को, है ना? अच्छा जी, उसके बाद फिर वन से जस्ट बड़ा, मतलब वन से बड़ा कुछ भी हो बट टू से छोटा या बराबर हो, तो सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स कितना होता है भाई, टू, है ना? ये आई थिंक पता होगा सब लोगों को, बेसिक से बातें हैं, मेरे को उसको ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। नेगेटिव में शायद आप कंफ्यूजन आ सकते हैं, तो मैं नेगेटिव में आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अगर हमारे पास माइनस वन से एक्स बड़ा या बड़ा है और जीरो से छोटा या बराबर है, उस केस में सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो ओनली, ठीक है जी। उसके बाद फिर माइनस टू से बड़ा है बट माइनस वन से छोटा या बराबर है, उस केस में सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स विल बी माइनस वन ओनली। मतलब अगर मैं आपको बोलूं माइनस 1.9 का सीलिंग फंक्शन, दैट विल बी माइनस वन, माइनस 1.001 उसका सीलिंग फंक्शन, दैट विल बी माइनस वन, ठीक है, समझ पा रहे हो? बेसिक सी बात है, पता होगी सब लोगों को, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप जान लो भाई, सीधी सी बात है ना, आना चाहिए आपको। अच्छा जी, अब देखो भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बहुत सिंपल है, ठीक है। एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए नोटेशन में, ये अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है जी, पॉइंट इंक्लूडेड है, बट अगर मैंने ऐसे सर्कल से दिखा दिया आपको, सर्कल से ये ऐसे लाइन जा रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ठीक है, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना होगा, तो बस इसी चीज का मैं आप यूज करूंगा। देखो भाई, जीरो, जब एक्स जीरो है तो वाई हमारा जीरो ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और जीरो से वन तक है अगर, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से तो बड़ी है बट वन तक जा रही है, तो उस केस में हमारा वाई की वैल्यू क्या चलेगी जी, वन चलेगी। तो वाई की वैल्यू वन चलने का मतलब क्या है, जीरो से हमें जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब लो सर्कल से हम दिखाएंगे, मतलब जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, बट वन तक हम जाएंगे तो हम इसको पॉइंट से दिखाएंगे, मतलब इसको इंक्लूड करना है, ठीक है जी। अब वन से टू एक्स की वैल्यू कोई भी हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, देखो वन इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, बस ये मैंने बोला ना, वन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वन से थोड़ा सा भी बड़ा हो चलेगा बट टू से छोटा या बराबर होना चाहिए था, तो लो भाई ये यहाँ पे सर्कल दिखाएंगे और ये टू तक हम लोग चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, थ्री, फिर आगे वही बात आएगी, थ्री, हाँ जी, तो टू से जस्ट बड़ा या बराबर होना चाहिए, मतलब टू नहीं होना चाहिए, टू से जस्ट बड़ा होना चाहिए, मतलब टू को हमने एक्सक्लूडेड रखा है और हम लोग थ्री तक चले जाएंगे, आप समझ पा रहे हो ना। देखो, टू से जस्ट बड़ा नंबर हो और थ्री तक अगर हम लोग जा रहे हैं तो हर केस में वैल्यू थ्री ही चलती रहेगी, यही है ना वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स था, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब नेगेटिव नंबर्स में आ जाओ, तो नेगेटिव नंबर हमने क्या देखा था, माइनस वन से बड़ा हो बट जीरो से छोटा हो, तो लो भाई ये बन गया मेरा माइनस वन, ये बन गया मेरा माइनस टू, ये माइनस थ्री, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे, तो ये हो गया हमारा माइनस वन और ये हो गया माइनस टू वाई की वैल्यू, है ना। हाँ जी, तो ये देखो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी वैल्यू है अगर हमारे पास, है ना, तो वैल्यू जीरो ही आएगी, सो दैट वाई की वैल्यू जीरो ही आएगी, सो दैट मीन्स ये देखो लाइक दिस, ठीक है ना। हाँ जी, तो और जीरो हमारा इंक्लूडेड था बट माइनस वन एक्सक्लूडेड था, तो माइनस वन पे मैं सर्कल बना दूंगा, ठीक है। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलस में और बहुत जगह मैथमेटिक्स में यूज होगा, बेसिक्स में आपके क्लियर करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ जी, अब देखो भाई, माइनस टू से माइनस वन के बीच में वाई की वैल्यू कितनी आएगी जी, माइनस वन, समझ गए ना, सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स इज माइनस वन, तो मतलब वाई की वैल्यू माइनस वन, समझ रहे हो ना, वाई इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स है
तो सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, वाई है, तो एक किस्म से ये वाई ही आया है, तो ये भी वाई ही आया है, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे ये भी वाई ही आया है। हाँ जी, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, -1, कब, -2 से -1 के बीच में, तो -2 को आपको एक्सक्लूडेड रखना है ना, और -1 को इंक्लूडेड रखना है। तो लो भाई, ये एक्सक्लूडेड और ये इंक्लूडेड, ठीक है जी। हाँ जी, तो अगर हमारे पास से x की वैल्यू -2 से तो थोड़ी सी छोटी है, और -1 तक वो जा रही है अगर, तो हमारे पास सीलिंग फंक्शन विल बी -1 होगा। ये मैंने अभी आपको बताया था। सिमिलरली आप गेस कर रहे होंगे, अब ये -3 से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब -3 इंक्लूडेड नहीं है, बट -2 इंक्लूडेड है, ठीक है, -3 एक्सक्लूडेड है और -2 इंक्लूडेड है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। देखो भाई, ये सर्कल डॉट ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, बस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सारी जगह ऐसे चलेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये हमारा हो गया सीलिंग फंक्शन। अच्छा जी, अब फ्लोर फंक्शन मैं चाहता हूँ आप होमवर्क में अपने आप करेंगे भाई, ठीक है, मैं उसको नहीं सिखाऊंगा आपको। आई थिंक पता होगा फ्लोर फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है, तो उसमें मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, ठीक है। अच्छा, बस मेन बात यह है कि डोमेन और रेंज मेरे को बताने, तो डोमेन और रेंज आप यहाँ से फटाफट देख के बता सकते हैं, है ना। तो डोमेन विल बी व्हाट, यहाँ से मुझे बताओ भाई, डोमेन क्या है भाई, एक्स एक्सिस, एक्सिस में तो आप जो मर्जी वाले लेके आओ, तो डोमेन विल बी ऑल द रियल नंबर्स, है ना, और रेंज विल बी व्हाट, ओनली इंटीजर क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ता, इवन जीरो भी आ सकता है हमारे पास, तो रेंज विल बी व्हाट, जेड, दैट इज ऑल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि और इंटीजर के अलावा तो हम कुछ और ला भी नहीं सकते। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। फ्लोर फंक्शन आप अपने आप से प्लीज निकाल के देखेंगे, आपको पता होगा, है ना। तो जैसे 0.1 अगर मैंने ले लिया, मतलब देखो 0 से 1 नहीं लेना बस, ठीक है, 1 1 एक्सक्लूडेड रखना है। तो दिखाऊं मैं आपको फ्लोर, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ऑलरेडी, है ना, काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो छोटा सा बस मैं हिंट देके छोड़ देता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा, मैं बस थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देता हूँ। ये देखो भाई, चलो पहले एक बार मैं साइड में होता हूँ, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, लो। हाँ जी, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। हाँ जी, तो ये लो, ये हो गया जी फ्लोर। फ्लोर फंक्शन की क्या खास बात होती है, देखो 0 इंक्लूडेड रखना है, 1 एक्सक्लूडेड रखना है, उस केस में हमारे पास फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 ओनली, ठीक है ना। अच्छा जी, 1 इंक्लूडेड रखना है, 2 एक्सक्लूडेड रखना है, उस केस में फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओनली, है ना, ये आई थिंक आपको पता होगा। बस ये सब पता है तो ग्राफ खींचने में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, देखो भाई 1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूड, ये देखो 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है, तो 0 से 1 तक हम लोग जा रहे हैं अगर, तो आप समझ पा रहे होंगे। ये देखो भाई, 0 हमारा इंक्लूडेड है एक्स में और 1 एक्सक्लूडेड है, मतलब 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर इतनी कोई वैल्यूज है हमारे पास इस बीच में, तो वाई की वैल्यू क्या रहती है जी, 0 रहती है। सो दैट मीन्स लाइक दिस, ऐसे चलेगा हमारे पास, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, ऐसे चलेगा, 1 हमारा एक्सक्लूडेड था। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब देखो, अगर 1 से 2 आप भर रहे थे तो ये 1 आ जाएगी, है ना, तो ये 1 1 हमारा इंक्लूडेड होगा और ये एक्सक्लूडेड होगा, समझ पा रहे, बिल्कुल उल्टा, सीलिंग में था, सीलिंग में यहाँ 0 था और यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे डॉट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। हाँ जी, फिर 2 से 3 हम लोग चलेंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे, ये 1 से 2 में ये आया है, तो 2 से 3 में आप समझ पा रहे होंगे, ये देखो ये डॉट और ये एक्सक्लूड, ये 0, है ना, 2 से 3 होएगा, तो फिर ये 2 ही निकल के आएगा, एंड सो ऑन। प्लीज आप अपने आप ड्रॉ कर लेना, मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। चलो ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोर फंक्शन, ये हमारा फ्लोर फंक्शन हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं साइड में होता हूँ फटाफट से, चलो ठीक है, साइड में नहीं हो रहा, आपने सब चीजें नोट डाउन कर ही ली होंगी, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। हाँ जी, बस अब हमारे बस वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं एक दो, वो करके हम बस वीडियो को पूरा करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा भाई, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ना, 1.5 घंटे से ऊपर का मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता, तो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा ये। लो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फटाफट से देख लो भाई, साइन एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, मेरे ख्याल मार्कर भी ढंग से नहीं चल रहा है मेरा, मार्कर बदल लेते हैं। हाँ जी, साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, आई थिंक आपको पता होगा भाई, ये तो मेरे ख्याल मेरे को बना के भी नहीं देना चाहिए, तो सबको पता ही होगा, है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है ये साइन वेव, जिसको हम लोग कहते हैं, पता है ना, ठीक है। हाँ जी, नहीं, हाँ भरो भाई, हाँ भर दो, आता है आपको, है ना, हाँ ठीक है। तो बड़ा बड़ा फटाफट भाई, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा भाई इसका, डोमेन आप समझ पा रहे होगे, एंटायर रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी जी, -1 to 1, बोथ आर इंक्लूडेड, है
है ना, -1, 1, ये ऐसे लिखा जाता है। इसलिए मैंने कहा था ना इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वो सब ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये आपको आना चाहिए। तो ये क्लोज इंटरवल है, क्यों? क्योंकि -1 और 1 भी इंक्लूडेड होता है इसमें, ठीक है? पता करो ना सबको, ये 0 है, तो फिर ये पाई बाय 2 है ना, फिर ये पाई है, फिर ये 3π/2 है, और फिर ये 2π है ना। तो 2π पे 0 आता है, पाई पे भी 0 आता है, 0 पे भी 0 आता है, पाई बाय 2 पे 1 आता है, 3π/2 पे -1 आता है, एंड सो ऑन। ये वही साइन फंक्शन आपको पता होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? साइन वेव तो मैंने नेटवर्किंग में भी आपको पढ़ाई थी। हाँ जी, कोस एक्स का फंक्शन कैसा होता है भाई? मतलब कोस एक्स का के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आई थिंक पता होगा। देखो कोस 0 हमारे पास 1 होता है ना, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे बिल्कुल साइन वेव टाइप ही है। द ओनली थिंग इज, अगर मैं नेटवर्किंग की भाषा में बोलूं तो फेज शिफ्ट हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता मैं, आपको पता होगा। देखो याद ऐसे रखना था भाई, देखो कोस 0 हम, ये देखो ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो कोस 0 1 होता है, उसके बाद बस आगे आप ऐसे ग्राफ बना लेना, ठीक है? तो वही बात आएगी, डोमेन हमारे पास क्या आएगा जी, आर, और रेंज वही आएगा जी -1 से 1 के बीच में, ठीक है? आई थिंक आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, ये हो गया कोस एक्स का ग्राफ। अच्छा जी, अब बस टैन का बचता है, टैन का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी समझने में, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है जी? चलो बस उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट, फिर बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं कुछ कुछ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कराऊंगा, ठीक है? ओके, हाँ जी, तो टेन एक्स का ग्राफ देखो भाई, टेन एक्स का ग्राफ पहले बताओ, ये बताओ मुझे टेन एक्स होता क्या है भाई, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स, ठीक है ना? अच्छा जी, तो कोस एक्स की वैल्यू हम लोग देखो, कोस एक्स 0 नहीं हो सकता, बस हमें इतना पता है, तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू 90 डिग्री नहीं ले सकते, मतलब मैं ऐसे बोलूं पाई बाय 2 नहीं ले सकते, 3π/2 नहीं ले सकते, डॉट डॉट, ये आई थिंक आपको पता होगा, ग्राफ से आप चेक कर सकते हैं, है ना? तो सिंपली बोले तो 2n+1 पाई बाय 2 ये अलाउड नहीं है, बाकी सब चीजें अलाउड है। तो अब आप गेस कर पा रहे हो गैस क्या होता है, डोमेन होता है, तो डोमेन विल बी इक्वल टू व्हाट, रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई बाय 2, ठीक है? n इज एनी इंटीजर क्वांटिटी, कोई भी इंटीजर आप लेके आ सकते हैं। हाँ जी, तो ये हो जाएगी डोमेन, और रेंज क्या होता है भाई, रेंज पूरा एंटायर रियल नंबर्स होता है इसका, ये आपको याद रखना है, 10 का, है ना? तो कैसे निकलता है, याद क्या रखना है, वैसे आप कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लीज मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहा हूँ, है ना? तो ऐसे याद रखना भाई, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, ये हो गया जी पाई बाय 2, ठीक है? तो पाई बाय 2 को टच नहीं कर पाता ये कभी भी, ठीक है? हाँ जी, तो ये हो गया जी -π/2, ठीक है? उसके बाद फिर अगला क्या आएगा जी, पाई आएगा, तो ये फिर वही बात आएगी, टच नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है? देखो भाई कैसे बनाए हम इसको, कोई बात है ना, ग्राफ मेरे से ढंग से बनते तो है नहीं, ठीक है? तो ये देखो, ये कुछ इस स्टाइल से बनेगा, ठीक है? एंड सॉन ये रिपीट होता चला जाएगा, आई थिंक पता होगा ना सबको, जो टेन एक्स होता है वो एक्चुअली सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइक्लिक ही होते हैं, है ना? तो ये माइन, ये एक किस्म से पाई बाय 2 से 3π/2 के बीच में सेम चलेगा, है ना? -π/2 से π/2 के बीच में सेम चलेगा, एंड सॉन। तो ये एक इसका इंटरवल होता है, जिस इंटरवल के अंदर ये रिपीट करता चला जाता है, ठीक है? आई थिंक पता होगा, ठीक है? मारो गोली, ज्यादा इसमें कुछ की जरूरत नहीं है, ठीक है? फाइनली बस हमें ये पता होना चाहिए था, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है इसके, ठीक है जी? ओके चलो ठीक है, दैट्स इट। तो वीडियो हमारा काफी लंबा हो रहा है, तो मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक्चुअली हम लोग चल कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली काफी भटक गए, हम लोग ग्राफ्स के अंदर घुस गए, हमें घुसना भी पड़ा, जरूरी था हमारे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट रिलेशंस का डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश कर रहे थे, और इनफाइनाइट रिलेशंस में अगर स्टैंडर्ड फंक्शंस आते हैं ग्राफ बना करके, हम एक झटके में आंसर कर सकते थे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। बट अगर कुछ अजीब से ही कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस आ जाएं, मतलब जो स्टैंडर्ड ना हो, तो उसके लिए फिर जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन मेथड बताया था वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ग्राफ का फायदा ये होगा कि अगर आपके माइंड में ग्राफ फिट होगा ना, तो एक सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएंगे स्टैंडर्ड फंक्शंस के, ठीक है? तो बाकी जो नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, उसमें मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक से जो मैंने आपको बताया था ना, एक्स को वाई के टर्म्स में लिख लो, वाई को एक्स के टर्म्स में लिख लो, एंड ऑन, किसी भी तरीके से इनपुट आउटपुट करके हम लोग कोशिश करेंगे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है? तो और क्वेश्चंस हैं काफी सारे, हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।